थर्ड हमारे पास जो नंबर्स हैं जिसमें थर्ड फैक्टराइजेशन के बाद हमारे पास जो था रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन एक बड़ा अच्छा सा कंसेप्ट है जिसकी बात हम लोग रखते हैं, लाइक अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट ए अपॉन एक्स माइनस ए। वी नो दैट या तो मैं फैक्टराइज कर लूँ या इसे रैशनलाइज भी कर सकता हूँ। रैशनलाइज करना भी उतना ही सिंपल होता है लाइक अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट एक्स। ये एक सिंपल एग्जाम्पल दे के मैं बता रहा हूँ जो लास्ट क्लास में हमने किया था, उसी को हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पर यूजुअली जीरो बाई जीरो और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म्स होने के बाद यू हैव टू डू, मतलब यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू ए की बात हम लोग कर रहे हैं, राइट। लिमिट एक्स टेंस टू ए पर हमें कैसे वर्क करना है उसकी बात हो रही है। नाउ अब इन फंक्शंस पर जो हमें दिखाई दे रहा है कि रैशनलाइजेशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया एंड एवरीथिंग, राइट। एंड इसमें कुछ ऐसे पोर्शन भी हमारे पास हैं जिस पर हम लोगों ने ये रखा था कि फिजिक्स में वी हैव ऑलरेडी डिड दिस कि 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन की बात कर रहे हैं तो दिस इज नियरली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, राइट। ये 1 प्लस एन एक्स तब तक मैं लिख रहा हूँ जब मुझे मालूम है कि मुझे मैक्सिमम एक्स तक जाने हैं, मैक्सिमम पावर इसकी एक्स होनी है। अगर इसे मुझे आगे भी ले जाने हैं, मुझे दिख रहा है कि नीचे मुझे एक्स स्क्वायर को कैंसिल करना है तो दिस विल बी 1 प्लस एन एक्स प्लस एन n माइनस वन बाई फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, राइट। ये या इस तरह के हमारे पास जो भी फंक्शन रहेंगे उसे हम लोगों को ब्रेक करने के लिए। बट इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमारे पास है जो बाइनोमियल यूज करते हुए x टू द पावर n अपॉन x माइनस ए लिमिट x टेंस टू a, डायरेक्ट फॉर्मूला यू कैन यूज n a टू द पावर n माइनस वन, दिस इज n, राइट। n राइट लाइक x cube minus a cube upon x to the power 5 minus a to the power 5 limit x tends to a. So we can read write this as x cube minus a cube upon x minus a into 1 by x to the power 5 minus a to the power 5 upon x minus a. Many x minus a should divide and multiply kiya for limit x tends to a. 3a square upon 5a to the power 4. So this will be 3 by 5, 1 by a square. राइट तो आज मेनली हम लोगों को जो इस पे वर्क करना है, जो मैंने अभी बात की कि हम लोगों को जो वर्क करना है मेनली, वो हमारी वर्किंग जो होगी वो इस बात पर होगी कि हमारे पास जो भी फंक्शन है या जो भी हम लोगों ने अभी तक एक वर्किंग करके रखी हुई है अपनी, राइट, लिमिट की, उस लिमिट को हम लोगों को किस तरह से आगे बढ़ाना है, राइट। सो वी कैन स्टार्ट विद दिस, राइट, कि लिमिट में फर्स्ट जो हम लोगों ने देखा था उस पर हम लोग फिर से आते हैं। दिस वॉज द फंक्शन, राइट, जिसकी हम लोगों ने बात की थी, राइट, एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, राइट। ये थ्योरम हमारे पास यूज होने हैं, राइट। उस पर बेस एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पे, राइट। एक्स प्लस सेवन अंडर रूट माइनस थ्री इंटू टू एक्स माइनस थ्री टू द पावर अंडर रूट एंड एक्स प्लस सिक्स का पावर वन बाई थ्री माइनस टू इंटू थ्री एक्स माइनस फाइव, राइट। ये जो मेरे पास फंक्शन गिवन है इसके रूट्स निकालने की बात है, राइट। इसकी वैल्यूज क्या होगी एक्स टेंस टू टू के लिए, राइट, दैट वी हैव टू सॉल्व। अब ये सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, राइट। तो आई एम स्टार्टिंग विथ, लास्ट क्लास में याद होगा हम लोगों ने यही क्वेश्चन था जिस पर हम लोगों ने ये वर्किंग रखी थी। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाय 2 माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाय 3 अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0। यहां से हम लोग एक अपना स्टार्ट लेते हैं, राइट। 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 by 2 minus 1 plus x to the power 1 by 3 upon x। अगर इसके लिए वर्किंग मुझे करनी है तो क्या रहेगा, राइट। तो अगर मुझे फॉर्मूला यूज करना है तो यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात क्या होगी, अगर मैंने इसमें भी माइनस वन ले लिया एंड सिमिलरली इसमें भी मैंने माइनस वन ले लिया, दोनों पर मैंने अगर माइनस वन ले लिया एंड दोनों को सेपरेट करके देखूँ तो आई कैन राइट दिस एज
वन प्लस एक्स टू दी पावर वन बाई टू माइनस वन अपॉन एक्स को लिखा वन प्लस एक्स माइनस वन. नाउ सी दिस इज एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, राइट. सीधा का सीधा आंसर वन बाई टू वन प्लस एक्स, एक्स को जीरो रखा, वन टू दी पावर कुछ भी करूंगा वन ही होगा वन बाई टू. एंड सिमिलरली सेकेंड वाले के लिए आंसर होगा वन बाई थ्री. सो लिमिट सॉल्व करने का साफ सा मतलब है कि हमारी हमारे को करना क्या है कि हमें एक अलजेब्रा सॉल्व करना है और वो अलजेब्रा ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारी वर्किंग सिंपल एक सॉल्विंग के लिए जाए एंड वी आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, राइट. सो नाउ इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा, बट आई हैव टू जस्ट कि अगर x टू द पावर 10 माइनस 1024 अपॉन x टू द पावर 5 माइनस 32 ये गिवन है तो क्या आंसर होना चाहिए फॉर लिमिट x टेंस टू 2 के लिए, राइट. डू इट फास्ट. Can you repeat the question? ध्यान से देखो, आपके पास राइट साइड में लिखा हुआ है क्वेश्चन आपके स्लाइड पे. वेरी गुड. डायरेक्ट आंसर आने चाहिए. सबसे पहला आपका स्टेप यही होता है कि पहले आप फंक्शन को देख लो क्या ये 0/0 का फॉर्म है. अगर ये 0/0 का फॉर्म है तभी आपको आगे बढ़ना है. तो हमने जैसे पहला स्टेप लिया इसमें अगर दोनों में मैं x2 रख रहा हूँ तो 2 टू द पावर 10 माइनस 2 टू द पावर 10 दैट इज 1024 मींस 2 टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5 इज 0/0, राइट. अब ये क्योंकि 0/0 का फॉर्म है मींस वी कैन सॉल्व दिस. अब ये सॉल्व कैसे करें? सॉल्व करने के लिए x टू द पावर 10 माइनस 2 टू द पावर 10 अपॉन x माइनस 2 इनटू सेकंड जो मेरे पास गिवन है उसे भी x माइनस 2 से डिवाइड किया, राइट. एंड दोनों में मैंने अलग अलग लिमिट्स लगा लिए x टेंस टू 2 के लिए. सो दिस इज कमिंग एज 10 इनटू 2 टू द पावर 9 अपॉन दिस 2 टू द पावर 5 इनटू 5, राइट. 5 इंटू 2 टू द पावर 5 माइनस 1 मेरे पास आ गया 2 इंटू 2 टू द पावर 5 और 2 टू द पावर 6, राइट. गैस सभी को ये क्लियर होगा, राइट. दिस इज द पर्सन जो हम लोगों को फर्स्ट देखने थे. अब इस पर बेस अगर मैं बात करूं कि छोटा सा बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज करने के लिए हमेशा आपको जरूरी नहीं है कि फंक्शन इसी तरह से मिल जाए जो इस समय दिखाई दे दिया आपको. तो ध्यान दो इस पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल ये लेके दिखाया है आपको कि अगर x टेंस टू 9 के लिए मैं बात कर रहा हूँ तो x टू 3 बाई 2 माइनस 27, राइट. अब यहाँ पर 9 प्लस h टू दी पावर 3 बाई 2 है, मैं इसे एक्सपेंड नहीं कर सकता तो मुझे 9 को यहाँ कॉमन लेना पड़ेगा. 9 कॉमन लेने के बाद ये एक्सपेंशन 1 प्लस h बाई 9 टू दी पावर 3 बाई 2 आया. सो वी कैन एक्सपेंड दिस एंड केवल x का कोफिशियंट इससे कैंसिल होगा, उसके आगे h कोई ना कोई बचा हुआ है और h टेंस टू 0 हो रहा है तो जितने भी बाकी बचे हुए टर्म होंगे वो 0 हो रहे हैं. केवल ये टर्म जो मेरे पास है ये h वाला कैंसिल हो रहा होगा जिससे मेरे पास आंसर 1/6 आ रहा होगा. 27 पहले से मेरे पास था. Okay, everyone. राइट. तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में ख्याल रखना ये 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन के एक्सपेंशन है ना कि ए प्लस एक्स टू दी पावर एन का. अगर वो नहीं होगा तो मुझे वहां से जो भी नंबर जैसे यहाँ पर 9 जो नंबर था उसे मेरे को कॉमन लेना पड़ा. यू हैव टू टेक आउट कॉमन दैट टाइप ऑफ नंबर्स, राइट. नेक्स्ट. तो अब थोड़े इस पे क्वेश्चन की बात करें हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है क्वेश्चन की. तो ये वन सेट ऑफ क्वेश्चन आपके पास है, ध्यान से देखें, राइट. सब इसी फॉर्म के क्वेश्चन हैं बट थोड़े से डिफरेंट हम लोगों ने नंबर को रखा हुआ है. 6 क्वेश्चंस हैं एंड इस पे मैक्सिमम आपको जो टाइम मिलने जा रहा है दैट वुड बी 8 to 9 minutes, राइट. कोशिश करें फिर हम लोग एक एक करके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं डिफरेंट मेथड से.
वेरी गुड ऑस्टिन, उत्कर्ष, वेरी गुड, भेज दूंगा मैं नेहा, वेरी गुड, जतिन, वेरी गुड, उत्कर्ष, मैंने दोनों भेजे हुए हैं, रात में ही आज ये वाला भी भेज दूंगा, हाँ पीपीटी में भेज दूंगा जो भी है। रिलैक्स होके करना, सिंपल क्वेश्चन है बट यू हैव टू बी लाइक स्टार्ट करें क्या? लवण्या, वेरी गुड, एक मिनट, सम्यक, वेरी गुड, अगर ध्यान से देख रहे हो जो क्वेश्चंस हमारे पास गिवन है जिसको सॉल्व करने की बात हम लोग कर रहे हैं, 1 plus x under root of 1 plus x minus under root of 1 minus x by 2x, कई डिफरेंट मेथड होंगे जिससे वी कैन सॉल्व दिस, राइट? क्या मेथड लगाया जाए जिससे ये सॉल्व करना बहुत सिंपल हो, वहां से स्टार्ट करता हूँ। स्टार्टिंग विथ जो हमारे मेथड्स होंगे उसमें फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड मैंने ये रखा कि इसे 1 प्लस एच मैंने लिख दिया एंड इसका पावर हाफ माइनस 1 माइनस एच टू द पावर हाफ अपॉन 2h लिमिट h टेंस टू 0। मैं x भी रहने देता, कोई दिक्कत नहीं, बट आदत में लाना चाहता हूँ, अगर 0 दिया है तो h लिख दें, 1 दिया है तो 1 प्लस h लिख दें, 1 माइनस h लिख दें, आप सॉल्व कर सकते हो। बाइनोमियल एक्सपेंशन से इफ आई एम सॉल्विंग दिस इज कमिंग एज 1 प्लस h बाई 2 माइनस 1 माइनस एच बाई 2 अपॉन 2h लिमिट h टेंस टू 0, राइट? सिमिलरली अगर मैं थोड़ा सा इसे और आगे बढ़ा दूं, 1 1 कैंसिल, h बाई 2 इज h ओनली, h h कैंसिल, 1 बाई 2 इज द आंसर, राइट? दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड इसी क्वेश्चन के लिए, व्हाट आई कैन डू, ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट होगा कि अंडर रूट ऑफ
वन प्लस एक्स अपॉन एक्स हाफ को मैं बाहर ही रखता हूँ, राइट। यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से एक माइनस वन किया, इसमें मैं लिख रहा हूँ प्लस वन माइनस वन। इम्पॉर्टेंट यहाँ ये है कि हमने जो फंक्शन लिया उस पर अगर ध्यान दें तो ये पावर वन बाई टू अगर मैं करूँ तो x टू दी पावर n माइनस ए टू दी पावर n अपॉन x माइनस ए, सो द आंसर इज वन बाई टू राइट n a, a मीन्स x को जीरो रखने पर वन, वन टू दी पावर वन बाई टू माइनस वन। डायरेक्टली यू आर गेटिंग द आंसर जो भी आपके पास आने हैं, हाफ जो आ गया आपके पास। दिस इज सेकेंड मेथड, राइट। थर्ड मेथड, ध्यान देना, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको एक अलजेब्रा सॉल्व करना है। अलजेब्रा सॉल्व करने के जितने मेथड आप अच्छे से जानते हैं उतने आसानी से कर सकते हैं, आप कोई नया काम नहीं कर रहे हो, राइट। तो अगर मैं अलजेब्रा यहाँ पर सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट फ्रेम पे जाऊँ, मैंने कहा जो मेरा फंक्शन गिवन है उसको मैंने रैशनलाइज कर दिया। जब रैशनलाइज मैं करूँगा तो मेरे पास आएगा वन प्लस एक्स माइनस ऑफ वन माइनस एक्स अपॉन टू एक्स, राइट, अपॉन में अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स, राइट। टू एक्स विल बी कैंसलिंग फ्रॉम देयर, राइट। अपने आप एक्स जीरो रखने पर वी आर गेटिंग वन बाई टू। दिस इज थर्ड मेथड, राइट। सो जितने भी रैशनलाइजेशन हो, फैक्टराइजेशन हो, जितने भी मेथड हैं वो सब के सब अगर आप चाहो तो वो साथ ही साथ यूज कर सकते हो, ना जैसे भी आप चाहते हो, लाइक फोर्थ मेथड। क्योंकि एक अलजेब्रा सॉल्व करने के बचपन से लेके हम लोगों ने आज तक जितनी स्टडी की है उसमें हमने अलजेब्रा ही सॉल्व किया है। इसका कोई मेथड हो ये बोलना सबसे मुश्किल काम होगा। इसका सिंपल सा एक ही तरीका है, अगर हम चाहते हैं सॉल्व करना क्वेश्चन को तो कहीं ना कहीं हम लोग इसे पैक कर सकते हैं, लाइक इट्स ऑल अबाउट कि लाइक हाउ यू रिक्वायर टू सॉल्व दिस। मैंने 2x को ऐसा लिख दिया, आई गेस आप समझ पा रहे होंगे, ये a माइनस बी है, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, सिंपली a प्लस बी आ गया, आंसर इज 1 बाई टू। आप जितने मेथड से कर सकते हो वो सब सबसे अच्छे मेथड है, आपका जो फर्स्ट अप्रोच होगा वो सबसे अच्छा मेथड होगा। हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कई सारे मेथड हो सकते हैं और कई तरीके से आप जा सकते हो। मेरा आज का पूरा मेरा मोटिव यही है कि मैं ये बता सकूं ये लिमिट केवल और केवल अलजेब्रा है। इसे सॉल्व करने के लिए सिंपली आपने आज तक जितना भी स्टडी किया हुआ है एक खुले दिमाग से उन चीजों को आप अप्लाई करें एंड यू विल गेट द आंसर, आई गेस दिस इज फॉर फर्स्ट वन, राइट। अब अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन की बात करूँ तो सेकेंड क्वेश्चन जो है उसमें एक बड़ी अच्छी चीज है मेरे पास, क्या ये जो क्वेश्चन मेरे पास गिवन है वन प्लस फोर एक्स एंड वन प्लस फोर एक्स माइनस दस, तो एक तरीका तो सबसे अच्छा ये हो सकता है कि मैं इसके कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई कर दूँ, राइट, जो सबसे पहला दिख रहा है मेरे को वन प्लस फोर एक्स माइनस फाइव प्लस टू एक्स अपॉन एक्स माइनस टू, नीचे आया अंडर रूट ऑफ वन प्लस फोर एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ फाइव प्लस टू एक्स, राइट। सी वन कैंसल फोर माइनस फोर प्लस टू एक्स अपॉन एक्स माइनस टू अंडर रूट ऑफ वन प्लस फोर एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ फाइव प्लस टू एक्स, लिमिट कैंसल कैंसल टू इज देयर एंड इफ आई पुट एक्स इज इक्वल टू राइट जीरो, तो अगर ध्यान से देखो तो ये जीरो यहाँ नहीं होना चाहिए था, आई गेस यहाँ पर टू होना चाहिए था। अगर जीरो यहाँ पर दिया रहता तब तो मैं सीधा का सीधा यहाँ पुट्टी कर सकता हूँ, मेरे पास सीधा डायरेक्ट वाला जो सब्स्टिट्यूशन का मेथड था वो डायरेक्ट चला जाता, राइट। तो यहाँ पर ये टू होता तो अच्छा होता, यहाँ के क्वेश्चन के हिसाब से मैं सीधा जीरो पुट कर दूंगा तो यू विल गेट द आंसर वन माइनस रूट फाइव बाई माइनस टू, लेकिन आई गेस वो क्वेश्चन में थोड़े से मिस्टेक्स होंगे, कुछ यहाँ पर टू होना चाहिए था, मैं इसलिए दोनों तरफ से आपको करके दिखा दिया, दिस इज नॉट अ बिग डील, राइट। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में इफ यू विल सी
ये भी अलजेब्रा का ही एक क्वेश्चन है, बट सॉल्व करने के लिए कितना अच्छा तरीका आप रख सको वही है, क्योंकि दो 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 हमारे पास अंडर रूट एक साथ गिवन है, तो केयरफुल राइट, ध्यान से देखना प्लीज. I can rewrite this as under root of 7 plus 2x minus under root of 7 minus 2 root 10 with plus sign. मैं root 5 plus root 2 के whole square लेके उसका मैंने under root कर दिया. मैंने यहाँ लिख देता हूँ root 5 plus root 2, अगर minus मैं बाहर निकालता तो ये होता, इसे मैंने लिखा minus of 7 plus 2 root 10 का under root. फायदा क्या हो गया, जो मुझे दो दो अंडर रूट रूट फाइव रूट टू दिख रहे थे वो दो खत्म होके सिर्फ एक मेरे पास आ गया. रैशनलाइज करना मेरे लिए आसान हो गया एंड इट्स लाइक वी कैन फैक्टराइज दिस इन वेरी सिंपल वे. राइट, लिखाता हूं कैसे, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टेन लिमिट एक्स टेंस टू रूट टेन. राइट, फैक्टराइज किया, 7 7 कैंसल, 2 x माइनस रूट 10 अपॉन x माइनस रूट 10 x प्लस रूट 10, जो मैंने मल्टीप्लाई किया है अगर x की वैल्यू राइट रूट 10 रख दिया, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 7 प्लस 2 रूट 10 जो कि रूट 5 प्लस रूट 2 मेरे पास आ रहा है, ये दोनों मैंने कैंसिल कर दिए. इज इट ओके एवरीवन? यस सर. राइट, सो इन डिफरेंट वे, इन डिफरेंट लाइक जितने क्वेश्चन हैं सबको आप डिफरेंटली ट्रीट कर सकते हो. जैसे फोर्थ वन के लिए अगर मैं कहूँ तो मेरे को सबसे अच्छा ये बात लगेगा कि फोर्थ क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है राइट, बहुत सारे हमारे पास मेथड होने के बाद भी आई गो विथ ए प्लस टू एक्स टू दी पावर वन बाई टू माइनस थ्री एक्स टू दी पावर वन बाई टू अपॉन, मैंने लिखा a प्लस टू एक्स माइनस थ्री एक्स राइट इन टू, नीचे लिख ले रहा हूँ राइट. मैंने नीचे अगर ध्यान से देखो तो मैंने a माइनस एक्स मैंने मल्टीप्लाई किया, मैंने a माइनस एक्स को डिवाइड किया, थ्री ए प्लस एक्स टू दी पावर हाफ माइनस फोर एक्स टू दी पावर हाफ राइट. ये दो मेरे पास इक्वेशन आ गए. मैं बहुत ही सिंपल वे में ये बोलूंगा x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a. एंड फॉर्मूला इज एन ए, मैंने वैल्यू रखा थ्री ए टू दी पावर वन बाई टू माइनस वन अपॉन, यहाँ भी वही फॉर्मूला आ रहा है एन थ्री ए प्लस ए विल बी फोर ए टू दी पावर वन बाई टू माइनस वन. बोथ पे यू आर गेटिंग सेम थिंग, बहुत आसानी से आंसर की तरफ पहुंचोगे. राइट, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन को अगर मैं देखूं अगेन राइट, द सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो सकता है, ये मैंने एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन, मेरे को लगता है मैं जानबूझ के हमेशा रखता हूं इस क्वेश्चन को. व्हाट इज दिस क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करें इसे राइट. सॉल्व करने के लिए तो मेरे पास इक्वेशन है राइट, इक्वेशन जो मेरे पास गिवन है इसमें आप हमेशा कोशिश ये रहे कि अगर थोड़े से कैलकुलेशन को आप ध्यान से देख पा रहे हो तो बहुत ही आसानी से आप ये देख सकते हो कि ये गिवन इक्वेशन में यू कैन यूज दिस 7 माइनस एक्स टू द पावर 1 बाई 3 माइनस जो भी 2 गिवन है उसे सोचा करो 8, क्यों, क्योंकि 1 बाई 3 पावर में लाने हैं, सो दिस विल बी 8 टू द पावर 1 बाई 3 होल थिंग डिवाइडेड बाई 7 माइनस एक्स माइनस 8. मैंने फोर्स किया राइट, फोर्स क्या किया, मैंने फोर्स ऐसा किया कि ये नंबर अपने आप में जैसा ऊपर लिखा है वैसा आ जाए, तो हमने अपनी तरफ से फोर्स किया है तो जो डिवाइड किया उसे मैंने मल्टीप्लाई किया, तो उतना ही मेरे को नीचे जो क्वेश्चन था ये कंप्लीट हुआ. बट अच्छी बात ये है माइनस एक्स माइनस 1 आया, ये कैंसिल होके माइनस 1 दे दिया. एंड जो ये नंबर मेरे पास है इसके लिए हमेशा मैं जानता हूं कि अगर दोनों नंबर इस फॉर्म में लिखे जा रहे हैं अपॉन एक्स माइनस ए, ये एक्स ए सिंबॉलिक है और लिमिट एक्स टेंस टू ए की बात हो रही हो तो आंसर इज एन ए टू द पावर एन माइनस वन जाएगा. मींस
वन बाई थ्री सेवन माइनस वन, दिस इज प्लस वन, वन बाई थ्री माइनस वन. इज इट ओके? राइट. सिमिलरली द लास्ट वन, लास्ट तरीके का जो क्वेश्चन है वो देख के सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है व्हाई नॉट गो फॉर पर्सनलाइजेशन. मैंने बोला पांच मेथड है, पांच में से कुछ भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन हमेशा ख्याल रखना कि अगर इनको यूज करना है कोशिश ये रहे कि हम पर्सनलाइजेशन में जो सबसे पहला आपके दिमाग में आ जाए वो यूज करो और जल्दी से आंसर तक पहुंचो. राइट. जिसमें आप सबसे अधिक कंफर्टेबल हो वो आपके पास मेथड्स होने चाहिए. राइट. वो सभी को समझ में आया होगा व्हाट वी आर गोइंग टू डू और क्या पूरी कहानी हुई है यहाँ पे. राइट. इफ ऑल आर कंफर्टेबल मैं थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ूंगा. नाउ आप अपने स्क्रीन में देख सकते हो एक सेट ऑफ क्वेश्चन और आपके पास है. राइट. ये सेट ऑफ क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है इसमें थोड़ी चेंजेस के साथ क्वेश्चन गिवन है, तो यू हैव टू बी केयरफुल. राइट. क्वेश्चन थोड़े से चेंज किए हुए हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अगेन, बट ये थोड़े सिंपल होंगे. मैं मैक्सिमम सिक्स मिनट का टाइम आपको दे रहा हूँ. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
Samyak, very good. Done. Restart. See, first question से ही, if you'll see, यहाँ जो given है, इस बार हम लोगों को use करने हैं x plus x square plus x cube up to x to the power n के लिए हमारे पास given है, right? So if you'll see this, अगर मुझे ये सॉल्व करना है, मैंने ये लिखा राइट तो जो क्वेश्चन में मेरे पास रिटन है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एक्स टू द पावर एन माइनस एन राइट इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन है तो उसे किस तरह से सॉल्व किया जाए बेसिक फॉर्मूला मेरे पास वही है जिसे आपको यूज करना है और वो फॉर्मूला आपके पास है x टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए अगर हम लोग एबल हैं उस फॉर्मूला को यहाँ पर यूज करने के लिए उससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता और हर एक क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं आप उसी फॉर्मूले को यूज कर सकते हो राइट अब ये फॉर्मूला कैसे यूज हो या क्या हम लोग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं एक एक करके उन क्वेश्चन पर आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन एज इट वॉज गिवन राइट मेरे पास क्वेश्चन है व्हाट आई एम सेइंग कि अगर ये क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करना है तो द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस इज एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन अप टू एक्स टू द पावर एन माइनस वन मैंने एन को जो एन नंबर था उसे मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया हर एक नंबर को एंड एक्स माइनस वन से मैंने सभी को डिवाइड किया राइट तो फर्स्ट में आई एम गेटिंग वन सेकेंड में टू इंटू वन टू इंटू वन स्क्वायर करते करते एन इंटू वन टू पर एन माइनस वन मतलब ये वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन की वैल्यू है जो कि एन इंटू एन प्लस वन बाई टू आई राइट एन इंटू एन प्लस वन बाई टू तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डायरेक्ट हमें दिख सकता है कि लाइक व्हाट टू डू क्वेश्चन को सॉल्व कर ये वापस बताओ मेरे को प्लीज मैंने एन जो हमारे पास था यहाँ पर ध्यान दे रहे हो क्वेश्चन पे जो एन था उसे मैंने वन 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 एन टाइम्स लिख दिया और वो वन वन जो है वो एक्स को एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अप टू एक्स टू द पावर एन सभी को मैंने एक एक वन दे दिया तो मेरे पास सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कुछ ऐसा आ जाएगा ओके हाँ सर राइट फिर सबको x माइनस वन से डिवाइड किया ये डायरेक्ट फॉर्मूला इन सब में लग रहा है x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a लिमिट x टेंड्स टू a का दैट्स n इनटू n का मतलब 1 2 3 4 जो नंबर जा रहा है a का मतलब है 1 1 टू द पावर करते हुए लगा दिया इज इट ओके यस सर राइट तो दिस इज द फर्स्ट थिंग राइट कि लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट में अगर मैं कहूं तो यहां पर जो क्वेश्चन है जिसके लिए मैंने ये रखा कि अच्छा लास्ट क्वेश्चन भी यही है ध्यान से देखो लास्ट जो क्वेश्चन है वो भी यही है लेकिन उसमें n के जगह पर 100 गिवन है तो आंसर इज 50-50 राइट अगर ध्यान से देख रहे हो सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी आपका यही है क्या x टू द पावर 1 बाई थ्री माइनस वन एक्स टू द पावर 1 बाई फोर माइनस वन प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई फाइव माइनस वन और हर एक को मैंने x माइनस वन से डिवाइड किया फॉर लिमिट x टेंड्स टू वन आई एम गेटिंग वन बाई थ्री वन टू द पावर वन बाई थ्री माइनस वन कोई दिक्कत नहीं प्लस वन बाई फोर प्लस वन बाई फाइव वन के पावर में सब ऐसा ही रहना है तो डायरेक्टली अगेन यू आर गेटिंग आंसर फॉर दिस वन ये जो मेरे पास गिवन है मतलब जो नंबर्स गिवन है ना थ्री नंबर है हंड्रेड नंबर है एन नंबर है उसे यूज करना अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देख के चलें तो हम लोग आराम से यूज कर पाएंगे और बहुत अच्छा यूज होगा राइट लेकिन मैंने कहा सेकंड वन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक रिक्वायरमेंट है थोड़े से हम लोगों को अच्छे से दिमाग लगाने की कैसे अभी दिखाता हूं सी सेकंड क्वेश्चन में जो
जो गिवन है मेरे पास इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे अधिक मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट मेरा है x टू दी पावर n प्लस वन माइनस n प्लस वन इन टू एक्स प्लस n, एंड नीचे जो गिवन है दैट्स x माइनस वन का होल स्क्वायर। जो नीचे का x माइनस वन का होल स्क्वायर जो गिवन है वो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि अगर मैं बाइनोमियल से भी जा रहा हूं या अगर एक्सपेंशन को लेने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे यहां पर, क्योंकि नीचे का टर्म होल स्क्वायर का टर्म है, तो मुझे दो टर्म तक आगे जाना चाहिए, मुझे आगे भी एक्सटेंड करना चाहिए, देन ओनली आई विल गेट द आंसर, तभी मेरे पास आंसर आएगा। द बेस्ट वे क्या रहे, मैंने कहा एक्स जो है उसे मैंने वन प्लस एच रख दिया, वेयर एक्स टेंस टू वन था तो एच टेंस टू जीरो होना चाहिए। अब ये दोनों चीजें कंसिडरेशन में लाते हुए अगर मैंने पुट किया वैल्यूज, लिमिट एच टेंस टू जीरो, वन प्लस एच टू दी पावर एन प्लस वन माइनस एन प्लस वन इंटू वन प्लस एच प्लस एन अपॉन एच स्क्वायर। सिंपल सा तरीका है, आपके पास बहुत सारे मेथड है, जो मेथड आपको अच्छा लगता है वहां से पढ़ें, जो सबसे आसानी से आपको सॉल्व करवा सकता है, राइट। हम लोगों ने पहले बात की कि अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो सबसे अच्छा तरीका है मैं इसे एक्सपेंड करूं, और इसका एक्सपेंशन दो टर्म तक लेना होगा क्योंकि नीचे एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर के टर्म को कैंसिल करेगा, उसके आगे के टर्म में कोई ना कोई एच हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा जो आंसर को जीरो कर रहा होगा, राइट। वन प्लस एन प्लस वन इंटू एच प्लस एन प्लस वन इंटू एन बाई फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर। आगे के टर्म में नहीं लिखना पसंद करूंगा क्योंकि एच क्यूब एच टू दावर फोर एच टू दावर फाइव एच टू दावर सिक्स के टर्म आएंगे, एच स्क्वायर नीचे से कैंसिल होने के बाद भी हर एक टर्म में कम से कम एक एच जरूर बच रहा होगा और वो मेरे आंसर्स को हमेशा गड़बड़ करेगा। माइनस एन प्लस वन इंटू एच माइनस एन प्लस वन प्लस एन अपॉन एच स्क्वायर, लिमिट एच टेंस टू जीरो। कुछ बहुत प्यारे टर्म्स हमारे कैंसिल हो रहे हैं, कैसे, वन इज कैंसलिंग आउट विथ वन, एन कैंसलिंग आउट विथ एन। उसके बाद ध्यान दें एन प्लस वन इंटू एच ये भी कैंसिल हो गया, मतलब मेरे पास जो लिमिट एच टेंस टू जीरो के पास बचा ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होंगे, और मैंने इसके बाद के टर्म में बोला कि हर एक में एच एच एटलीस्ट एक एच आएगा और लिमिट एच टेंस टू जीरो है तो सबके सब जीरो जा रहे होंगे, तो आंसर इज एन एन प्लस वन बाई टू फैक्टोरियल टू या टू। दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। Hope everyone is getting this. Question number third. Okay. Question four. Question four को ध्यान से देखें, ये एक important question होगा हमारे लिए, because अगर इस question को आप ध्यान से देख पा रहे हो से, इस क्वेश्चन पे हमें जो गिवन है, राइट, यहाँ राइट सेवन प्लस एक्स क्यूब टू द पावर वन बाई थ्री राइट माइनस थ्री प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर वन बाई टू अपॉन x माइनस वन लिमिट x टेंस टू वन। एट टू दी पावर वन बाई थ्री जो वैल्यूज हमारे पास आ रही है माइनस फोर टू दी पावर वन बाई टू जो वैल्यूज टू टू दोनों आ रहे हैं, टू माइनस टू जीरो होगा, नीचे वन माइनस वन जीरो होगा, तो ये जीरो बाई जीरो का फॉर्म है, इंटरमीडिएट या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, मतलब फर्दर वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अभी आगे ले जाके मुझे इसे सॉल्व करना है,
then only I'll get this. मैंने कहा बहुत सारे मेथड होते हैं, सबसे अच्छा मेथड क्या हो सकता है ये बोलना मेरे ख्याल से आप अधिक अच्छे से बोल पाओगे। मेरे को लगता है अगर मैं ऐसा लिखूं इसे 2 means 8 to the power 1 by 3 minus दूसरे वाले को 3 plus x square to the power half minus 2 लिखूं एंड दोनों में x minus 1 फिर अलग से कर दूं, मेरे को लगता है ये सॉल्व होना अधिक आसान होगा मेरे राइट। मैं लिख सकता हूं 7 plus x cube राइट 7 plus x cube to the power 1 by 3 minus 8 to the power 1 by 3 upon x minus 1 limit x tends to 1 is x minus 1 ko maine 1 upon x minus 1 kiya yahan likha 1 plus x cube minus 8 yahan likha x cube minus 1 right ye x to the power n minus a to the power n upon x minus a hai jise main seedha likh sakta hu n a to the power 1 by 3 minus 1 and secondly this is coming as x minus 1 cancel okay x square plus x plus 1 limit x tends to 1 hope you are getting this kya ho raha hai question mein kaise ye pure ke pure working ho rahi hai ye bhi number mera 3 aa raha hai ye bhi number 3 ko cancel karna milti hai aasan kaam right 8 to the power minus 2 by 3 matlab 2 to the power minus 3 2 by 3 1 by 4 के लिए फर्स्ट वाले का सेकंड वाले को उसी तरह से मुझे डील करना पड़ेगा। सो यस आपने 1 x क्यूब माइनस 1 से क्यों मल्टीप्लाई किया? नीचे जो नंबर है जो मैंने इससे डिवाइड किया है तभी तो फॉर्मूला लगा पाऊंगा ना। नीचे जो नंबर मैंने डिवाइड किया है डिवाइड किया वो ये डिवाइड किया ये मैंने मल्टीप्लाई किया तो एक्चुअल में ये सॉल्व होके ये दे रहा है इसलिए वो सारे अच्छा देख पा रहे हो? हाँ हाँ ठीक है ओके, ये सॉल्व होगा 7 और माइनस 8 है ना 1 चला गया तो x क्यूब माइनस 1 होगा ना वही x क्यूब माइनस 1 दिखा रहा हूँ ओके सर ओके राइट। सो बहुत सारी वेराइटीज जो होते हैं क्वेश्चन की ना उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा डील करने का तरीका हम लोगों का यही रहे लाइक राइट डील करने का तरीका यही रहे कि एक अलजेब्रा सॉल्व करना है उस अलजेब्रा को सॉल्व करने के लिए क्या बेस्ट मेथड हो जिससे आप कर सकते हो इस पूरी की पूरी कहानी को राइट राइट। ये हम लोगों ने अपनी तरफ से ये देखा कि कैसे हमें सॉल्व करने होंगे क्वेश्चन या क्या क्वेश्चन में हमारे पास डिफरेंट वैरायटी थे राइट। थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा इस पे सी कि अगर अब इसमें कुछ मैंने नंबर्स जो थे वो एक्स वगैरह के नंबर्स को मैंने थोड़े से चेंज कर दिए तो ये नंबर चेंज करने के बाद मैंने नंबर्स ला दिया कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ले लिया या कुछ कॉम्प्लिकेशन करने की कोशिश की तब कैसे डील करोगे उसके लिए ये तीन क्वेश्चन स्टार्ट। बिट फास्ट
आदित्य डन, आर्यन, मैं स्टार्ट करूं देन। एवरीवन डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। ये होने वाले क्वेश्चन होने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको वर्क करने चाहिए। सी क्वेश्चन में जो गिवन है सॉल्व करने के लिए हमारे को अगर ध्यान से देखें तो जो एक्स क्यूब और ये हमारे पास जो गिवन है क्वेश्चन में सॉल्व होने के बहुत सारे डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, बट फिर वही वाली बात है कि बेस्ट तरीका क्या हो जिसपे हम लोग सॉल्व करें। एंड ये क्वेश्चन में इस बार आपको हिंट कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है जिससे वी कैन से कि कुछ बड़ा मजेदार चीज आ जाए या समथिंग, राइट? तो उसे कैसे डील किया जाए इम्पोर्टेंट ये है, राइट? अगर मैं कहूँ कि मेरे जो क्वेश्चन गिवन है राइट, उस पर मैं आऊँ, फर्स्ट जो गिवन क्वेश्चन है कॉट क्यूब एक्स, राइट? उसे मेरे को थोड़ा सा ये आसान क्वेश्चन सा लग रहा है। आसान कैसे? मैं कॉट एक्स को टी ले लेता हूं और दिस टी इज टेंडिंग टुवर्ड्स वन क्योंकि एक्स की वैल्यू पाई बाई फोर को टेंड कर रही है, राइट? ये सब्स्टिट्यूशन वर्किंग के लिए काफी आसान हो सकता है। सो आई कैन से दिस इज टी क्यूब माइनस वन अपॉन, नीचे देखना ये वन टू को मैं माइनस टू को मैं दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, टी क्यूब माइनस वन प्लस टी माइनस वन लिमिट टी टेंस टू वन, दिस विल बी टी माइनस वन इंटू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन अपॉन टी माइनस वन कॉमन आउट, दिस इज टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन प्लस वन, राइट? यहाँ से टी माइनस वन कॉमन लेंगे, ऊपर से भी मैंने कॉमन लेके रखा है, लिमिट टी टेंस टू वन। हम लोगों ने पहले भी बात की थी टी टेंस टू वन का सबसे पहला मतलब यही होता है टी इज नॉट इक्वल टू वन, दोनों तरफ हमने कैंसिल जैसे किया, तो ऑब्वियसली अब अगर मैं वन पुट करूं तो दिस इज थ्री बाई फोर, इज इट ओके, राइट? सिंपल सा क्वेश्चन, थोड़ा सा वर्किंग आपके पास केवल ये रखना है जिससे यू विल बी एबल टू डिस्की ये जो क्वेश्चन है ये कैसे डील कर पाए, राइट? सेकंड, अब यही क्वेश्चन जो सेकंड में आपके पास जा रहा है जिसमें टू टू दी पावर एक्स में ये पूरी वर्किंग दी हुई है वहां सॉल्व करने हैं, राइट? टू टू दी पावर एक्स को कैसे सॉल्व करें, एंड टू टू दी पावर एक्स एक्स टेंस टू टू, ख्याल रखना कि वहां पर हमारे को जो सॉल्व करना, मैंने पहले ही कहा फिर वही चीज रिपीट कर रहा हूं कि दिस इज एलजेब्रा ओनली, ये केवल और केवल एलजेब्रा है। इस एलजेब्रा को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका आपके पास ये होता है कि आप
जितने हो सके टर्म्स को कैंसल आउट जैसे कर सकें आप कैंसल करें, मतलब 2 टू द पावर x को मैंने t लिया और t टेंड्स टू 4 करा, राइट? सो दिस इज t, या ऐसा करो ना t स्क्वायर ले लेता, राइट? आपके लिए शायद और आसान हो जाए, या व्हाटएवर, चलो t लिया था t ही रखता हूँ, t प्लस 2 टू द पावर 3 मींस 8 अपॉन टी माइनस 6 होल थिंग डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 बाय टी माइनस 2 बाय टी लिमिट टी टेंस टू 4, राइट? टी की वैल्यू 4 को जा रही हो तब क्या कर सकते हैं, राइट? थोड़ा सॉल्व करके देखें, दिस इज टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 8 अपॉन, सही है ना, राइट? मेरे को 1 बाई रूट टी कॉमन आने के बाद में जो बचा मेरे पास, राइट, या 1 बाई टी मैं कॉमन ले लूं तो रूट टी माइनस 2 लिमिट टी टेंस टू 4 एंड दिस इज टी माइनस 2 टी माइनस 4 अपॉन रूट टी माइनस 2 लिमिट टी टेंस टू 4, सी दोनों तरफ से, यहाँ से 1 बाई टी और यहाँ से भी जो टी आया था वो दोनों को मैंने कैंसिल कर दिया है। उसके बाद कुछ मेरे पास जो बच रहे हैं कुछ ऐसे टर्म बच रहे हैं, ये अगर मैं कैंसिल करूँ इसे तो ये आएगा रूट टी प्लस 2, राइट? टी को मैंने 4 भेजा तो दिस इज 2 प्लस 2 4, सॉरी ये जाएगा रूट टी माइनस 2 रूट टी प्लस 2, ये जैसा था वैसा ही रहेगा टी माइनस 1, दिस इज 4 माइनस 2 इंटू 4, कुछ ऐसा हमारे पास, जस्ट गेटिंग द आंसर, राइट? मतलब साफ है कि हम लोगों को जैसा कंफर्टेबल हो पाए, जहां से कंफर्टेबल हो पाए वो पुट करते हुए आगे बढ़ना है एंड 100% यू विल गेट द आंसर, राइट? अलजेब्रा सॉल्व करने की बात चल रही है, राइट? नेक्स्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन, होप एवरीवन गेटिंग दिस, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन में जो गिवन है मुझे केवल और केवल कैंसल आउट वो टर्म को करना है जो हमारे पास गिवन टर्म को अपने आप में 3 माइनस रूट एक्स अपॉन, मैंने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस विल बी 4 स्क्वायर, राइट? दिस विल बी 4 स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, राइट? दिस विल बी 4 स्क्वायर 2x माइनस 2, और मैंने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 2 लिमिट x टेंड्स टू 9, 3 माइनस रूट x अपॉन 16 प्लस 2 18, 2 निकाला 9 माइनस x इंटू 4 प्लस, राइट, अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 2 16, राइट, लिमिट x टेंड्स टू 9, राइट, ये कैंसिल कर दूं इस 3 प्लस रूट x, राइट, 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ 3 3 6 इनटू 4 4 8 समथिंग दिस, इज इट ओके? यस सर, राइट? क्वेश्चन की जिस तरह से रिक्वायरमेंट है उस पर हम लोगों की वर्किंग रहनी है ना, बेसिक अलजेब्रा हमें सॉल्व करने हैं, उस बेसिक अलजेब्रा पर ही पूरी वर्किंग हमारी होनी है, राइट? बेसिक अलजेब्रा पर ही पूरी वर्किंग होनी है, केयरफुल रहते हुए हम लोगों को, राइट, सॉल्व करते जाने हैं आगे, नेक्स्ट, राइट? एक क्वेश्चन अगर ध्यान से देखो तो फोर्थ क्वेश्चन, अभी मैंने आपको एक और इस पे ऐड किया है, वो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, सब
ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड आगे के काफी सारी कहानी आपको अच्छे कर जाएंगे. तो यू हैव टू बी केयरफुल राइट. Is it okay? यहां पर क्वेश्चन अगर मैं देख रहा हूं जो क्वेश्चन गिवन है राइट कि लिमिट x टेंड्स टू 1 cos ऑफ x प्लस 1 एंड cos ऑफ x माइनस 1 राइट. 1 ऑब्वियसली वी डोंट हैव आइडिया कि आगे बढ़ना कहां पर है. तो व्हाट वी कैन डू, मैंने 1 प्लस h पुट कर दिया x के लिए जहां पर h की वैल्यू टेंडिंग टुवर्ड्स 0 हो जाए राइट. लिमिट जो मेरे पास आ रहा है लिमिट cos of pi upon 2 plus h right into cos of pi upon 1 right that will be h only. अब यहां पर h tends to 0 के लिए एक बहुत मजेदार बात क्या आया कि ये क्वांटिटी मेरी जो है अंदर की क्वांटिटी pi upon h जो क्वांटिटी दिख रही है ये pi upon h की जो क्वांटिटी है वो tending towards infinity हो जाएगी. बट वी नो दैट cos थीटा के बारे में ये वैल्यू हमेशा माइनस वन से वन के बीच में ही रहेगी. आप कुछ भी क्यों ना कर लो, मतलब ये वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू है राइट. ये वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू है और वो माइनस वन से वन के बीच में ही रहेगी. लेकिन अगर मैं cos का ग्राफ देखूं तो उस ग्राफ में वी नो दैट कि अगर पाई बाई टू के आजू बाजू में देख रहा हूँ तो उस समय जो वैल्यूज मेरे को मिल रही है वो मिल रही है जीरो. मतलब cos pi by 2 plus h की वैल्यू जो है वो जीरो मिल रही है और इनटू एक फाइनाइट वैल्यू के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है एंड वी डोंट हैव एनी आइडिया कि वो फाइनाइट वैल्यू क्या आ रहे होंगे. लेकिन मैं इतना कंफर्म हूं कि वो माइनस वन से वन के बीच में आ रहा होगा. कोई भी क्वांटिटी अगर माइनस वन से वन के बीच में है और उसे मैं जीरो से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 100% एवरी टाइम यू विल गेट द आंसर एज जीरो. इज इट ओके सर, फिर से एक बार समझाइए ना. कहाँ पर बेटा बताएं? वो जीरो वाला एक एक आदमी बोल को बोलने वो पाई बाय टू प्लस एच वाला पार्ट. हाँ सर वही. एक आदमी को बोलने दे पाई बाय टू प्लस एच का पार्ट. मैंने उसके लिए एक ग्राफ अपने सपोर्ट में बनाया. सपोर्ट में ग्राफ ये करते हुए बनाया कि कॉस का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ तो कॉस के ग्राफ में पाई बाई टू के आजू बाजू जो ग्राफ होगा वो जीरो को टेंड कर रहा है. मतलब ये क्वांटिटी जो है वो जीरो को टेंड कर रही है बोल सकता हूँ.
हाँ बोलो। हाँ यस सर। सभी को समझ में आ रही है ये बात। तो अगर ये क्वांटिटी कॉस्ट जीरो को टेंड कर रही है और कॉस के साथ में दूसरी एक और क्वांटिटी है मेरे पास, जहां जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये क्वांटिटी जो है ये -1 से 1 के बीच में ही आएगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ भी हो जाए कॉस थीटा जो होता है वो -1 से 1 के बीच में ही रहता है। तो अगर ये क्वांटिटी -1 से 1 के बीच में है, और मतलब एक फाइनाइट वैल्यू है, और एक फाइनाइट वैल्यू को मैं अगर 0 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे को आंसर क्या मिलना चाहिए? 0 × 1/2, राइट? 0 × 3/2, 0 × कोई भी इस तरह की क्वांटिटी मेरे पास अगर है, तो 100% विल गेट द आंसर 0, राइट? दैट्स द रीजन आई एम सेइंग कि इसका आंसर 0 होगा। ये एक बहुत अच्छा थ्योरम होता है लिमिट की, जो आप पढ़ोगे एफ एक्स इंटू जी एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए पर। लिमिट एक्स टेंस टू ए पर अगर एफ एक्स की वैल्यू 0 को टेंड कर रही है और जी एक्स एक फाइनाइट वैल्यू को टेंड कर रहा है, तो हमेशा आपका आंसर 0 होगा। तो एवरीवन यस सर। राइट ना? तो ये एक लिमिट जो हम लोगों ने वर्किंग की उसकी बात है, राइट? यहाँ पर लिमिट का हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने जा रहे हैं, जिस पे हम लोग चाह रहे हैं कि लिमिट में, राइट, लिमिट की जो वर्किंग हमारी है टेंस टू इन्फिनिटी के लिए कैसे वर्क करेगा, क्या वैल्यूज हो सकती है लिमिट को इन्फिनाइट जाने की, राइट? अगर इन्फिनिटी जाना है किसी वैल्यूज को, तब हम लोग किस तरह से वर्क करेंगे। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लेके आपको यहाँ दिखाया हुआ है। एक्चुअल इन्फिनाइट के लिए सिंपल आपको करना क्या है कि जो भी नंबर आए सबको 1/∞ के फॉर्म में लाना है, उल्टा कर जाना है कि जो 0 हो जाए, राइट? तो पूरे को उल्टा करने का मतलब एक ही चीज होता है कि मुझे हाइएस्ट डिग्री जो ऊपर नीचे है दोनों से मुझे ऊपर नीचे डिवाइड कर देने हैं। अगर मैंने ऊपर नीचे दोनों में डिवाइड किया, तो अगर आप ध्यान से देखो ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बचेगा अंडर रूट ऑफ ये वाली चीज, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो बचेगा ये, एक्स स्क्वायर कैंसिल होने के बाद कुछ ये बचा, और 1/x² की वैल्यू क्योंकि 0 है तो अपने आप में 0/1 चला जा रहा है, जो कि आंसर 0 को चला जाएगा। जल्दी से इसे एक बार देखें फिर मैं आगे बढ़ा। ओके यस ओके एवरीवन ना, तो इन्फिनिटी का केस जो है, जिस इन्फिनिटी के लिए हम लोग की वर्किंग करनी है, उसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझते हैं कि 1/∞ प्लस हो या माइनस हो ये टेंस टू 0 होता है, राइट? 1/∞ की जो वैल्यू होती है, राइट, वो टेंस टू 0 होता है अगर 1/∞ मेरे पास आ रहा है, राइट? अगर मैंने कहा x^m-1, x^n-1 लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी, राइट, इसका आंसर m/n नहीं होगा क्योंकि एक्स टेंस टू 1 नहीं गिवन है, यहाँ पर एक्स टेंस टू इंफिनिटी गिवन है। यहाँ तीन बातें आपको समझने की है। अगर m ग्रेटर देन n हो जाए, राइट, m की वैल्यू ग्रेटर देन n हो रही हो, मतलब ऊपर का पावर, न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर से ऊपर जा रहा है, राइट, राइट, ऊपर का पावर अगर नीचे से ऊपर जा मतलब अधिक हो रहा है, तो 100% आपका आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब मैंने अगर ये कहा होता है कि x³, राइट, x³-1 अपॉन x²-1, तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर की डिग्री नीचे से अधिक जा रही है, तो हमेशा आप आंसर जो होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर m इज लेस देन n हो जाए, मतलब ऊपर की डिग्री कम है नीचे से, तो ये आंसर 0 हो जाएगा। एंड थर्ड, अगर m इजिकल टू n हो जाए, राइट, m इजिकल टू n हो जाए, तो ये एक फाइनाइट वैल्यू की तरफ जाएगा अदर देन 0। जैसे मैं यहाँ पर ले लिया
एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, वन माइनस थ्री बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी पर ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, आंसर इज वन बाई टू, राइट। तो पहली बात तो केवल और केवल हमारे पास ये हो गई कि अगर मुझे इनफिनाइट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा सा टेक केयर करते हुए वर्किंग करनी पड़ेगी, और जो ये है जल्दी से आप लोग नोट करेंगे तो मेरे को आसान पड़ेगा आगे बढ़ने। यस सर, हो गया, वेरी गुड, राइट। तो इनफिनाइट के केस को डील करने का सबसे सिंपल मेथड ये है कि आपको हाईएस्ट डिग्री जो भी है उससे ऊपर नीचे आप डिवाइड करते जाएं, यू विल गेट द आंसर, जो भी आपको चाहिए आराम से आपके आंसर्स आ जाने हैं, राइट। पहली कोशिश आपकी जो रहेगी, सेकंड। दूसरी बात, यहाँ पर जो इन्फिनिटी वाले केसेस होते हैं उसमें एक और बड़ा प्यारा केस आता है जो होता है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, राइट। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जो होता है वो इंटरमीडिएट फॉर्म है या इनडिटरमिनेंट फॉर्म, राइट। इनडिटरमिनेंट फॉर्म मतलब फर्दर वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, एंड जब एक केवल फंडामेंटल आपको ये दिमाग में रखना है कि अगर आपके पास इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म आ रहा है मतलब साफ है कि ये क्वेश्चन अभी सॉल्वेबल नहीं है किसी भी तरीके से, इसे मुझे या तो जीरो बाई जीरो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या जीरो इंटू इन्फिनिटी में इसे रिजॉल्व करना है, देन ओनली वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। और रिजॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या हो सकता है, मैं कहीं ना कहीं इसको रैशनलाइज करूं, फैक्टराइज करूं, राइट। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन उठाता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, राइट। अब ये इक्वेशन अगर आप ध्यान दें तो यहां पर ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म जा रहा है, राइट। अगर ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म जा रहा है तो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो हमने रैशनलाइज कर दिया, रैशनलाइज किया तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स प्लस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस एक्स, ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड कर दिया, वन प्लस वन बाई एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, दिस विल बी वन बाई टू। आई गेस यू आर गेटिंग दिस क्वेश्चन, राइट। अगर मेरे को इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का भी पोर्शन आ रहा है उसे सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, रैशनलाइजेशन आपके लिए बहुत परफेक्ट मेथड हो सकता है, प्लीज नोट डाउन। बहुत सिंपल सिंपल फॉर्म है लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिस पे आपको टेक केयर करना पड़ेगा, एक एक करके मैं आगे बढ़ाते जा रहा हूँ। इज इट ओके, देन मैं थोड़ा प्रोसीड करूँ आगे। यस सर, राइट। नेक्स्ट, ध्यान देना, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन अपॉन एन स्क्वायर। एक इस क्वेश्चन में सबसे पहला थॉट ये आता है कि सर व्हाई नॉट वी कैन डू समथिंग लाइक दिस, ये कर लें कि 1 बाई एन स्क्वायर प्लस 2 बाई एन स्क्वायर अप टू एन बाई एन स्क्वायर, ये सबको मैंने अलग अलग कर लिया तो सभी में ये 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 और ये आंसर चला गया 0। ये एक गलत अप्रोच है, मेरे ख्याल से आप सबको भी समझ में आ रही होगी क्या गलती हो रही है। गलत अप्रोच इसमें ये है कि हरेक जो जीरो मैं बोल रहा हूँ एक्चुअल हरेक में ये टेंडिंग टुवर्ड जीरो और वेरी 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 स्मॉल वैल्यू, लेकिन वो स्मॉल वैल्यूज कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऐड होते 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 एक बहुत अच्छी सी फाइनाइट वैल्यू की तरफ
टेंड कर जा रही हो। जैसे इसी क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं, वी नो दैट फॉर्मूला फॉर 1 प्लस एन, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू एन इज एन एन प्लस 1 बाय 2 इनटू एन स्क्वायर लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी। ऊपर नीचे एन स्क्वायर से मैंने डिवाइड किया, राइट, 1 प्लस 1 बाय एन अपॉन 2 इंफिनिटी के लिए दिस विल बी 0, 1 बाय 2 इज द आंसर, राइट, इज इट ओके? यस सर। नाउ अगर मैं एक छोटा सा हिंट दूं आपको, अगर सीरीज कभी भी ऐसा स्टार्ट हो रहा हो, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 से स्टार्ट होके नीचे आपके पास उससे एक बड़ा पावर, राइट, उससे एक बड़ा पावर हो, तो आप सीधा आंसर लिखना 1 अपॉन नीचे जो पावर गिवन है वो आपका आंसर होगा। लेकिन कब के लिए मैंने कहा, व्हेन इट स्टार्टेड विथ 1 एंड उसके नीचे में जो लिया नंबर दिया हुआ है, अगर ये एन तक जा रहा है तो ये एन स्क्वायर तक जाए, अगर ये एन स्क्वायर तक जा रहा है तो ये एन क्यूब तक जाए, राइट, तभी हम लोग डायरेक्टली आंसर जो है ये बोल सकते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन में क्यों आया ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कभी, लेकिन अभी थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। 1 to the power 99, 2 to the power 99, up to n to the power 99, होल थिंग डिवाइडेड बाई एन टू दावर 100 व्हेन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, राइट, तो इसका डायरेक्टली आंसर मैं लिख सकता हूं 1/100, मतलब समीशन आर बाई एन स्क्वायर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी की बात करिए ये 1/2 देगा, समेशन आर स्क्वायर बाई एन क्यूब की बात हो रही है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी है ये 1/3 देगा, समेशन आर क्यूब अपॉन एन टू द पावर 4 लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी की बात हो रही है ये 1/4 देगा, एंड सो ऑन, राइट, इन सब में आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। डन, सर एक मिनट, सर सिर्फ एक का डिफरेंस होगा या कितने का भी डिफरेंस हो सकता है दोनों डिग्रीज में? एक का। ओके सर। बहुत सिंपल है, मतलब सॉल्व करते जाओ आसानी से ये निकलते जाएंगे, बहुत सिंपल फॉर्म में जाएगा। आगे बढ़ रहा हूं ना, ये सिंपल क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, राइट, ध्यान रखना कि फर्स्ट वाले में एक्सटेंस टू जीरो है, एक्सटेंस टू इन्फिनिटी नहीं, राइट, एंड सेकंड वाले में एक्सटेंस टू इन्फिनिटी करके वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म आ रहा है, राइट, डू इट फास्ट।
वेरी गुड वेरी गुड, आई गेस डन एवरीवन। मेरे को नहीं लगता है इसमें कहीं दिक्कत जाननी चाहिए। फर्स्ट वाले में हमने फर्स्ट जो क्वेश्चन गिवन है, अगर इसमें अगर मैं देखूं, सिंपली मैंने अगर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो 100% आई गेट द आंसर, राइट। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने पर दिस 9 इज कैंसल आउट, दिस विल बी 5x प्लस 4x स्क्वायर अपॉन x, दोनों कैंसिल हो रहे हैं और अंडर रूट में ध्यान दो 9 प्लस 3 ही आएगा, x जीरो रखने पर 3 3 प्लस 6 हो गया, 5 बाई 6 इज द आंसर, राइट। सेकेंड वाले में अगेन द सेम थिंग इन अ डिफरेंट वे, राइट। सेकेंड वाले में मैंने अगर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया देन, क्योंकि ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म है, राइट, फर्स्ट वाला जीरो बाई जीरो का फॉर्म था, तो अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली एक्स इंटू वन आ जाना चाहिए ऊपर, राइट, एक्स स्क्वायर कैंसिल होने के बाद अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, नीचे से एक्स कॉमन ले लिया, 1/2 इज द आंसर, आई गेस गेटिंग एवरीवन, राइट। तो ये सॉल्व करने का एक जो वे है आपके पास, राइट, सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए। सिमिलरली सेकंड जो हमारे पास गिवन था क्वेश्चन, राइट, उसका सॉल्यूशन, आई गेस एवरीवन गेटिंग दिस। कुछ एग्जांपल आप लोगों के लिए, राइट, तो वी हैव टू डू दैट। फर्स्ट एग्जाम्पल एक्स वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर अपॉन एक्स एन क्यूब, तो ऑब्वियसली एवरीवन नो दिस आंसर, डायरेक्टली आंसर हम कर सकते हैं, आंसर विल बी 1/3 ओनली, राइट। सेकंड के लिए, सेकंड इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है सेकंड, कॉस में इसी पूरी चीज को दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन पावर 1/3 पर ओपन होगा एंड पावर 1/3 को यू हैव टू डील, राइट। एंड द फोर्थ क्वेश्चन log of this, पहले ये करते हैं उसके बाद एक और क्वेश्चन मैं दूंगा, डू इट फास्ट। Keep going, keep going. अभी देखते हैं। बेसिक अलजेब्रा है ऑस्टिन, सम्यक, बेसिक अलजेब्रा है, उस बेसिक अलजेब्रा को थोड़ा सा स्टिक होते हुए काम रखें, बस दिस इज बेसिक अलजेब्रा, कोई नया चीज नहीं यूज करना आपको।
स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, सेकंड से ही स्टार्ट किया जाए। राइट, फर्स्ट वाले जो टर्म गिवन है हमारे पास, तो हाउ टू सॉल्व। राइट, अगर पावर 1/3, 1/2 और इस तरह से दिए हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट, थोड़ा सा इस पर कॉन्सेंट्रेट करने की बात है। होपफुली एवरीवन चलिए स्टार्ट करें। सी फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास गिवन है वो गिवन है टू दी पावर 1/3x माइनस एंड सेकंड टर्म। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसे शुरुआत से ही अपने तरीके से कुछ लिखना चाहता हूं। तो व्हाट आई एम राइटिंग, 1 माइनस cos x टू दी पावर हाफ, राइट, माइनस ऑफ 1 माइनस cos x टू दी पावर 1/3। राइट, नीचे जो लिखा हुआ है उसे मैंने 1 माइनस cos स्क्वायर x कर दिया, नीचे जो लिखा हुआ है उसे मैंने 1 माइनस cos स्क्वायर x कर दिया, और दोनों में ही मैंने जो लिमिट गिवन था वो लिमिट x टेंस टू 0 लगा दिया। थोड़ा सा ध्यान देके देखो तो क्या हो सकता है अब, ना डू इट। सही है कि देखने में ही आप तो दिखाई दे रहा होगा क्या करना है। राइट, मैंने जो पहले बोला था अलजेब्रा, राइट, तो मैं इसे रीराइट कर सकता था। जो मेरे पास गिवन है 1 माइनस अंडर रूट टी या टी टू द पावर अपॉन 1 माइनस टी 1 प्लस टी, ये कैंसिल करूंगा, ये आएगा 1 प्लस रूट टी माइनस, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करता मैं, वो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा जो है 1 प्लस टी टू दी पावर 1/3 टी टू दी पावर 2/3, और ये है 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी, और ये जो मैंने मल्टीप्लाई किया है वो है। मैं काफी अलग तरीके से भी कर सकता हूँ, मैं कोशिश मेरी ये है कि मैं यही दिखा पाऊँ कि कोई नया काम मैं नहीं कर रहा हूँ, जो 8th, 9th, 10th में आपने आज तक किया है वही काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ये अपने आप 1/4 आ गया है, राइट, ये 1+1 2 और 2 1/4 आ गया है, ये 1 माइनस टी और ये दोनों मल्टीप्लाई होके फिर 1 माइनस टी हो रहे हैं, दोनों कैंसिल कर रहा है, दिस इज 2, दिस इज 3, -1/6 आ रहा है, राइट, दिस इज 12, 3, -2, 1/12, समथिंग लाइक दिस, राइट। क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट ये है कि कैसे हम लोगों का वर्किंग अधिक अच्छा हो सके, राइट, लेकिन इससे इस क्वेश्चन से अच्छा एक ये सीखने की यहाँ पर जरूरत है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया था होल टू द पावर 1/3 माइनस एक्स, तो एक्स ना लिख के मैंने उसे एक्स क्यूब टू द पावर 1/3 लिख दिया,
राइट। ये भी एक बेसिक अलजेब्रा का ही क्वेश्चन है। अगर आपको याद हो a टू द पावर 1/3 माइनस b टू द पावर 1/3 इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, राइट। a टू द पावर 1/3 माइनस b टू द पावर 1/3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा a टू द पावर 2/3, a टू द पावर 1/3, b टू द पावर 1/3, b टू द पावर 2/3, राइट। ये जो है ना, ये पूरी चीजें अभी मैं अपने जो भी स्टूडेंट अभी एडमिशन लिए हैं ना 10th to 11th में, उनको यही करवा रहा हूँ। ये छोटी छोटी चीजें लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये दोनों मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आई गेट a माइनस बी, मतलब ये अंदर का पूरा माइनस एक्स क्यूब, और नीचे ये पूरा टर्म आ जाएगा क्योंकि रैशनलाइजिंग फैक्टर है, मैंने अपने तरफ से मल्टीप्लाई किया है। तो ये एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी माइनस क्यू, राइट, होल थिंग डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी टू द पावर 2/3 प्लस एक्स क्यूब टू द पावर 2/3 प्लस एक्स क्यूब टू द पावर 1/3, और ये जो पूरा है उसका पावर 1, ये पूरा जो है उसका पावर 1/3। पूरा ना लिखते हुए मैंने थोड़ा सा सिंबॉलिक लिखा है, आई गेस सभी को क्लियर हो रहा होगा एग्जैक्टली मैं जो क्या यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। ध्यान दो, एक्स क्यूब मैंने दोनों तरफ से कैंसिल कर दिए, यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई होने पर ये दोनों को एक्स क्यूब कैंसिल हो गए, एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट आ रहा होगा ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ रहा होगा, एक्स का कोफिशेंट ए बी सी आ रहा होगा जो कोफिशेंट मेरे पास गिवन है उसके लिए, राइट, जो कॉन्स्टेंट टर्म है, राइट, कॉन्स्टेंट टर्म है उसके लिए ए बी सी मेरे पास आ रहा होगा। नीचे से अगर मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो और सब जीरो होने के बाद यहाँ वन बनेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर बनेगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर बनेगा, तो वन प्लस वन प्लस वन थ्री आ गए, एक्स स्क्वायर कैंसल, यहाँ पर एक नीचे एक्स आ रहा है, यहाँ पर नीचे एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये सब जीरो होंगे, मेरा आंसर आएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री। सर डिनोमिनेटर में क्या वर्किंग कीजिए? डिनोमिनेटर में बेटा सबसे कॉमन लिया ना हमने, एक्स क्यूब कॉमन लेंगे, पावर 2/3 है तो एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, दूसरे वाले में तो एक्स स्क्वायर ही है, तीसरे वाले में एक्स टू द पावर 1/3 कॉमन लेंगे, तो 1 कॉमन रहेगा और सबके सब जीरो हो रहे होंगे, वही मैंने लिखा वहां पे। ओके, नोट डाउन प्लीज। एक और क्वेश्चन था log ऑफ sin 2x अपॉन log ऑफ sin x, log of sin 2x upon log of sin x, देखें log of sin 2x को लिख सकता हूं log sin x log 2 plus log of cos x upon log of sin x। log का मतलब कैलकुलस में हमेशा ख्याल रखना with a base e होता है, राइट, बेस ई के साथ में वर्किंग होती है, लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स। पहले ये हम लोग देखें, अगर लॉग का ग्राफ हम लोग देखना चाहें, ये लॉग एक्स का ग्राफ होता है, जीरो प्लस पर, जीरो से जस्ट बाजू की बात कर रहा हूं तो उस समय लॉग की वैल्यू जो होती है वो माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रही होती है, मतलब ln log with a base sin x की वैल्यू जो होगी, अगर ऑब्वियस सी बात है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस वन साइडेड लिमिट में हमने देखा था जहां पर डोमेन एग्जिस्ट कर रहा है वहां की बात हो रही है, 0 प्लस के लिए ये टेंड कर रहा होगा माइनस इनफिनिटी को। फर्स्ट वाले जो हमारे पास नंबर गिवन है दोनों कैंसिल होके 1 दे दिया है, सेकंड में ये माइनस इनफिनिटी जा रहा है, ये एक फाइनाइट नंबर है, 1 अपॉन इनफिनिटी विल बी 0, सेकंड ये वाले में भी लॉग वन की वैल्यू जीरो हो गई और वन बाई इंफिनिटी है, मतलब ये दोनों तो जीरो ही है, मेरा आंसर सिर्फ और सिर्फ आया दैट इज वन ओनली। होप एवरीवन गेटिंग दिस। यस सर। आगे बढ़ें। सर वो cos x के साथ क्या क्या फिर से बताएंगे? कौन सा cos x के साथ? log cos x।
लॉग कॉस एक्स की वैल्यू क्या होगी एक्स टेंड्स टू जीरो में? वन, हाँ जीरो जाएगी ना, क्या होता है कॉस एक्स की वैल्यू वन हो जाएगी ना एक्स टेंड्स टू जीरो। ठीक है, यस सर ना। तो अब ये इनफाइनाइट ना बड़ा मजेदार सा चीज है। जैसे मैंने अगर मान लो ये कहा 2 to the power n plus 3 to the power n plus 4 to the power n whole to the power 1 by n लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, एक फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, यहां पर मैंने इसी को थोड़ा सा और चेंज किया, n टेंस टू माइनस इंफिनिटी, क्वेश्चन वही रखता हूं 2 to the power n 3 to the power n 4 to the power n power 1 by n। ध्यान दो, जो मेरे पास दोनों क्वेश्चंस गिवन है, जो दोनों क्वेश्चंस की बात चल रही है, इसमें हो क्या रहा है, क्या क्या फंडा है? हमने अगर इन्फिनिटी रखा तो 2 to the power infinity will be infinity 3 to the power infinity will be infinity 4 to the power infinity, 3 infinity का सम विल बी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू द पावर जीरो, ये इन्फिनिटी टू द पावर जीरो है। सिंपली माइनस इन्फिनिटी रख रहा हूँ, 2 to the power minus infinity 0 3 to the power minus infinity 0 4 to the power minus infinity 0 0 to the power 1 by in, right, माइनस इन्फिनिटी में रखता गया हूं तो 1 by infinity is right 0 1 by minus infinity या 1 by infinity। तो यहां पर ये तीनों के तीनों टर्म 1 by infinity 1 by infinity 1 by infinity, मतलब 0 to the power 0 ये जा रहे हैं, मतलब दोनों ही इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में है। ये तो मुझे पता है, दोनों में वर्किंग क्या हो, क्या हम थॉट ले सकते हैं जिसमें आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सके, राइट? तो इस क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए मैंने ये कहा कि इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन में अगर मैंने 4 को कॉमन लिया, ये आएगा 2 by 4 to the power n plus 3 by 4 to the power n plus 1 to the power 1 by n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ध्यान से देखिए, 2 by 4 वैल्यू जो होती है वो 0 से 1 के बीच में है। अगर 0 से 1 की कोई वैल्यू है उसका पावर मैं इन्फिनिटी कर रहा हूँ तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो 0 को टेंड कर जाएगी, सिमिलरली ये भी 0 को टेंड कर जाएगी और ये 1 को टेंड कर रही है। मीन्स ओवरऑल ये पूरा का पूरा 1 को टेंड कर दिया और 1 to the power 0 जो हमारे पास है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 1 ही रहेगा। 4 मैंने कॉमन लिया हुआ था तो आंसर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 4 आ गया। लेकिन क्या यही फंडामेंटल, यही चीज क्या मैं सेकंड के लिए भी यूज कर सकता हूं या कुछ दिमाग और लगाना पड़े? तो ध्यान दे, सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं डेफिनेटली ये बोल सकता हूं कि यहां पर मैं 4 to the power infinity कॉमन नहीं लूंगा। 4 to the power infinity कॉमन लेने पर मेरे पास 2 by 4 to the power infinity आएगा जो कि इन्फिनिटी बन जाएगा क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी गिवन है। सो मैंने यहाँ उल्टा किया, सेकंड क्वेश्चन के लिए मैंने 2 को कॉमन लिया, 2 to the power n को कॉमन लिया तो ये 1 plus 3 by 2 to the power n plus 4 by 2 to the power n whole to the power 1 by n आ गया, लिमिट n टेंस टू माइनस इन्फिनिटी हो गई। ये तो 1 ही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी वैल्यू जो है 3 by 2 to the power minus infinity जो कि 0 को टेंड करेगा, 4 by 2 means 2 to the power minus infinity भी 0 को टेंड करेगा, 1 to the power फिर से 0 की बात हो रही है तो ये आंसर 2 देगा। ध्यान दो कितना छोटा सा एक प्लस माइनस का डिफरेंस आपके क्वेश्चन को कितना अधिक अफेक्ट कर सकता है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सर एक डाउट है। अच्छा सर, आपने पहले बोला था ना सर अगर 0 एंड कर रहा है तो हम जनरली ऐड नहीं कर सकते, लाइक कोई और वैल्यू दे सकता है वो, तो इस केस में क्यों नहीं कर सोच रहे उससे एक बार सर? जैसे अभी ये जो वैल्यू है 2 by 4 power n टेंड्स टू इनफिनिटी है ना, और 3 by 4 power n भी टेंड्स टू इनफिनिटी है, तो पहले केस में हमने कैसा किया था कि 0 जो टेंड कर रहा था उनको ऐड किए बिना कुछ और मेथड यूज किया था सॉल्व करने, क्योंकि वो कुछ और वैल्यू आ रहा था सर। तो इस केस में हमने 0 को टेंड करने वाली उसको ऐड कैसे कर दिए? मैं बोलूं सर, वो जो सीरीज चल रही थी वो पूरा इनफिनाइट तक सीरीज चल रहा था, जो मुझे नहीं मालूम कि यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक में कितनी वैल्यूज मेरे पास आ रही थी। यहाँ पर मुझे मालूम है केवल 2 वैल्यूज आ रहे हैं और वो भी बहुत छोटे वैल्यूज हैं,
अगर ध्यान से देखो तो केवल आपको जो जीरो जा रहे हैं सिर्फ दो वैल्यूज यहाँ पर आ रही है जो बहुत छोटी वैल्यूज है, तो मैं बोल रहा हूँ ये कोई बहुत अधिक अफेक्ट नहीं डाल पाएंगे, लेकिन इस तरह से छोटे 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 वैल्यूज मिलाते मिलाते पूरे के पूरे वैल्यूज एक साथ में आ जाएं तो हमारे लिए बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, ये बहुत सारे प्रॉब्लम एक साथ में क्रिएट कर जाएगा और वो नंबर कहीं ना कहीं कुछ और हो सकता है। सर ठीक है, समझ में आ रही थैंक यू बात सर। यस सर, ना? जैसे आप मान लो कि जो ग्रेन्स होता है ना, छोटा सा घर में एक या दो ग्रेन्स मिल जाए तो वो चल जाता है, लेकिन वही एक दो ग्रेन्स मिलने के बाद में कितना बड़ा सा आपका लाइक यू कैन सी बीच देख सकते हो, वहां पर कितने सारे एक साथ में ग्रेन मिलने के बाद में कितना बड़ा ये हो जाता है, राइट? वो छोटे छोटे रहते हैं, एक दो हैं तो मैं तुरंत उसको निकाल सकता हूँ, डिस्कार्ड कर सकता हूँ, लेकिन वही एक दो मिलते मिलते जब उतने बड़े हो जाएंगे, राइट? बात समझ रहे हो ना? यस सर, समझा। सी के आजू बाजू थोड़ी झाड़ू लगाते रहूंगा कि उसको पानी के अंदर डाल रहे हैं, बट घर में तो निकाल लूंगा मैं, ठीक? हाँ, अब यहाँ पर सेकंड वाले केस में मैं फोर क्यों नहीं कॉमन लिया, राइट? तो सेकंड वाले केस में 2, 3, 4 जो मेरे पास गिवन नंबर था, 2 to the power n + 3 to the power n + 4 to the power n होल टू द पावर 1/n लिमिट n टेंस टू माइनस इनफिनिटी, राइट? तो अगर मैं यहां से मान लेता हूं एक बार के लिए मैं 4 कॉमन लेता हूं, अगर मैं 4 कॉमन ले रहा हूं तो क्या होगा, 4 बाहर आएगा, 2/4 to the power n, 3/4 to the power n प्लस 1 to the power 1/n, n टेंस टू कहां जा रहा है, माइनस इनफिनिटी, राइट? माइनस इनफिनिटी जाने के कारण ये एक्चुअल में क्या चला जाएगा, 2 to the power infinity चला जाएगा, ये 4/3 to the power infinity चला जाएगा। 2 to the power infinity बहुत बड़ी क्वांटिटी है। अब एंड 4/3 to the power infinity भी इनफिनाइट की तरफ जा रही है, एंड प्लस 1 मान लेता हूँ वो नेगलेक्ट भी कर रहा हूँ, और इसका पावर भी 0 देने पर मैं बोलूंगा ये तो इनफिनिटी पर 0 का फॉर्म है जो इंटरमीडिएट या इनडिटरमिनेंट फॉर्म है जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, और ये सभी को क्लियर होना चाहिए, राइट? यस सो वो ये वैल्यूज पर डिपेंड करता है कि हमारे पास कैसे वैल्यूज आ रहे हैं एंड उसको डील कैसे करना है, राइट? इन्हीं क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ध्यान से दो देखो, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए दे दिया है जो अभी आपने नोट किया था क्वेश्चन, उसमें इन्फिनिटी टू पावर 0, राइट? जल्दी से क्या आप जल्दी से इसका आंसर बता सकते हो? अगर आप ध्यान से देखें तो आपको डायरेक्टली आंसर आ जाए, वेरी गुड। ये क्वेश्चन मार्क बड़ा खराब सा लगता है, आंसर के साथ क्वेश्चन कैसे? भावनाओं को समझो, भावनाओं को। वेरी गुड, जस्ट यू हैव टू बी लाइक बहुत सिंपल सी बात में निकल जाने हैं, वेरी गुड निश्चित, वेरी गुड सिद्धार्थ, वेरी गुड सम्यक, वेरी गुड आदित्य, वेरी बैड। यहां से कॉमन क्या लोगे, 100 कॉमन लोगे या 1 कॉमन लोगे? सिंपल क्वेश्चन तो वही है जो अभी आपने किया था, राइट? तो साइन तो 0 की तरफ टेंड कर ही रहा है, लेकिन साइन तो 0 की तरफ टेंड कर रहा है एंड ये इनफिनाइट की तरफ टेंड कर रहा है, तो 1 to the power n जो था 1 to the power 2 to the power 3 to the power 100 to the power infinity, तो इसमें से मैं क्या कॉमन लूँ कि मैं सेफ रहूंगा, सबके सब आंसर आ जाएंगे। तो मैं अगर 100 कॉमन देता हूँ तब सबके सब नंबर 1/100 to the power infinity आएगा, 2/100 to the power infinity आएगा, up to 1 to the power 0 आएगा, कुछ ऐसा चल रहा होगा। ये सब जो नंबर्स है मेरे पास, ये भी 0, ये भी 0, केवल ये 1 बच जाएगा,
वन प्लस अब जीरो की तरफ जा रहे हैं और उसका भी पावर जीरो है तो ये तो वन ही जाएगा, साथ में हंड्रेड का मल्टीप्लीकेशन है, सो द आंसर विल बी हंड्रेड ऑनली। ऑस्टिन क्या कर रहा है बेटा, डायरेक्ट तो अभी बात हुआ, इज इट ओके? ओके एवरीवन, ओके ना थोड़ा आगे बढ़े फिर, राइट right? इन्फिनिटी के लिए एज आई सेड कि जब भी आपके पास है इन्फिनिटी के क्वेश्चन जा रहे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम होती हो तो सबसे अच्छा तरीका है वन बाई इन्फिनिटी इज जीरो, वहां पर आप चाहें तो पूरे एक्स के जगह पर वन बाई वाई ले लें, वन बाई टी ले लें, उसके साथ में आप प्रोसीड कर सकते हैं, यू विल गेट द आंसर राइट। बट ये क्वेश्चन आपके लिए राइट, डू इट फास्ट, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म। थोड़ा फास्ट करेंगे प्लीज, do it fast। सेकंड का फाइव है क्या, अभी देखते हैं। सिंपली हमने ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, सेकंड ना सेकंड को ही पहले अगर देखना चाहो तो कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई किया। व्हाट नहीं सर, ये वाला इवैल्यूएट मतलब 20 अंडर 25 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 5 एक्स, ये आ गया। बहुत अच्छी सी इसमें प्रॉब्लम आती है जिसके लिए ये क्वेश्चन देना मेरे लिए जरूरी हो जाता है, प्लस 5 एक्स जो था ये वाली चीज मेरे माइनस 5 एक्स हो जाएगी, मैंने दोनों तरफ जो मल्टीप्लाई किया उससे ये माइनस फाइव एक्स राइट, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्योंकि ये जा रहा है तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी मिलके वो इन्फिनिटी जानी चाहिए राइट। अब ये दोनों को जैसे मैंने कैंसल आउट कर दिया राइट, तो मेरे पास है माइनस थ्री एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 25 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स माइनस 5 एक्स लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी राइट। अब x टेंस टू माइनस इनफिनिटी पे एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे साथ आती है इस तरह के क्वेश्चन में, जो जिसके लिए ये क्वेश्चन दिया हूं कि आगे के लिए यू विल बी केयरफुल, कि अंडर रूट x स्क्वायर की जो वैल्यू होती है ना वो मॉड x होती है। तो अगर मैं यहां से जो सेकंड वाला जो मेरे पास गिवन है, अगर यहां से मैं x स्क्वायर निकाल रहा हूं बाहर तो अंडर रूट x स्क्वायर आएगा वो मॉड x होगा, एंड पूरे को मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आ रहा है लिमिट x tends to minus infinity minus 3x by mod x upon under root of 25 minus 3 by x minus 5x by mod x. This is the important point. ये सबसे important point आपके लिए होगा, क्यों ऐसा? क्योंकि
एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है, मॉड जो होगा वो पॉजिटिव होगा और ऊपर जो जा रहा है ये नेगेटिव होगा, तो ओवरऑल ये जो नंबर है ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ऊपर बच रहा है 3, नीचे बच रहा है 5 प्लस 5 विल बी 10, दिस विल बी 3/10. इज इट ओके? राइट. लेकिन फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको बहुत ही सिंपल फॉर्म में दिया था, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, मेरे को इन्फिनिटी जाना है तो मैं दोनों तरफ एक्स को सिंपली मैंने दोनों तरफ यही काम किया कि एक्स को मैंने दोनों तरफ से ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड कर दिया. जैसे एक्स से दोनों तरफ मैं डिवाइड करूंगा आई विल गेट द डायरेक्ट आंसर, जो मेरे को आने हैं वो डायरेक्ट आंसर मेरे पास आ रहे होंगे. सभी को क्लियर है ये? राइट. फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है जल्दी से देख के बता दो. ऊपर नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लो, मॉड एक्स कॉमन आएगा बट मॉड का फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों में अंडर रूट के ही जो टर्म है वो हमारे पास क्लियर होंगे. वेरी गुड, वेरी गुड. रूट थ्री माइनस रूट टू अपॉन फोर, रूट थ्री माइनस रूट टू अपॉन फोर, इज इट ओके? राइट. इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो आया दोनों को सॉल्व करने के लिए, आई गेस दिस थिंग इज लाइक ये सॉल्व होने वाले हैं, अनसॉल्वेबल क्वेश्चन माने जाएंगे. राइट. बट थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, ध्यान दो. एक ये नंबर मेरे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स क्यूब, हाइएस्ट डिग्री इसमें क्या जा रही है वो देखते हुए ओनली सॉल्व करना है. तो अगर ध्यान देके देखा जाए तो यहाँ पर जो डिग्री जा रही है वो मेरे पास है एक्स टू दी पावर वन. ऊपर में ये नंबर है एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है, ये एक्स क्यूब का पावर 1/3 है, ये एक्स टू दी पावर 4 का पावर 1/4 है, बट ये एक्स टू दी पावर 4 का पावर 1/5 है, तो ये तो बेचारा जीरो चला जाएगा अगर पूरा एक्स से डिवाइड हो रहा है. आंसर विल बी जीरो, डायरेक्टली आप जाके बोल सकते हो. राइट. आंसर तुरंत आपके पास जीरो आ गया. लेकिन ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैंने क्या किया कि एक लिमिट मैंने दी है. इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन. मैं आपको पूरा 3 मिनट टाइम दूंगा इस क्वेश्चन के लिए. थिंक ऑन दिस कि आपको ए और बी की वैल्यूज निकालनी है. लिमिट एक्स टेंस टू जीरो अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस टू अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन, फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी. ये कंसेप्चुअली आपको बहुत स्ट्रांग यहाँ पर करेगा ये क्वेश्चन, इसलिए टेक योर टाइम. 3 मिनट के बाद विल टेक द आंसर.
वाह वेरी गुड वेरी गुड, काफी लोगों के आंसर्स तो बड़े अच्छे से आ गए हैं यार, वेरी गुड। सी तो सबसे पहला ये थॉट है हमारे पास कि जो क्वेश्चन गिवन है वो नीचे जो हमारे पास है डिनोमिनेटर है वो जीरो को टेंड कर रहा है। अगर डिनोमिनेटर मेरा जीरो को टेंड कर रहा है तो न्यूमरेटर को भी जीरो जाना चाहिए एट जीरो, तभी ये जीरो बाई जीरो का फॉर्म होगा, इंटरमीडिएट या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होगा, तभी ये सॉल्व होकर कोई नंबर दे रहा होगा। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि नीचे का टर्म जीरो हो रहा है बट ऊपर का टर्म जीरो नहीं है, वन टू थ्री माइनस टू माइनस फाइव रूट फाइव हो रहा है, दिक्कत क्या होगी, समथिंग अपॉन जीरो की तरफ जाने वाला नंबर फाइनाइट वैल्यू नहीं देगा, इनफाइनाइट चला जाएगा। तो एक ये बहुत अच्छी सी थ्योरी यहाँ पर होती है ये कि अगर ऐसा कुछ हमारे पास गिवन है तो जीरो, अगर नीचे का टर्म जीरो जा रहा है तो ऊपर के टर्म को फोर्स करना होगा जीरो के लिए, मतलब रूट बी माइनस टू को भी जीरो होना पड़ेगा एट एक्स टेंस टू टू, तो बी की वैल्यू मेरे पास फोर आ गई, राइट। बी की वैल्यू फोर आने के बाद 100% इसके बाद तो आप जानते हो रैशनलाइज करना, इफ यू रैशनलाइज दिस तो दिस इज ए एक्स प्लस फोर माइनस फोर अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस फोर प्लस टू इज इक्वल टू वन, एक्स एंड एक्स कैंसल आउट एंड ऑब्वियसली यू आर अगेन गेटिंग द वैल्यू ऑफ ए एज फोर, तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू फोर, इज इट ओके? Means, ध्यान से आपके पास दो और क्वेश्चन जल्दी से जो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म के हैं। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म को, जिसको मैंने पहले ही आपको कहा कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अगर फॉर्म है तो इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये है कि उसके रिजॉल्व करना, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म को हटाना, अगर आप एबल हो हटाने के लिए बाई हुक एंड क्रुक आपको केवल इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म को हटाने हैं, हटाने के बाद यू विल गेट द आंसर, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन आप कर लें काफी होगा, सेकंड बाद में कर लेना। डू इट फास्ट। आई गेस वेरी गुड वेरी गुड, कुछ लोग के आंसर भी आ गए, वेरी गुड। ये जो नंबर मेरे पास गिवन है इसको मैंने सीधा एलसीएम लिया, दिस इज एक्स क्यूब प्लस एट एंड दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर माइनस ट्वेल्व लिमिट एक्स टेंस टू माइनस टू, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस एट अपॉन एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर, राइट। ऊपर जो है सीधा सीधी कैंसल हो रहे हैं एंड वी नो दैट, मैंने केवल मैं दिखाना ये चाह रहा था कैंसल करने के लिए, ये x माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस फोर, राइट, ये कैंसल कर दिया, यू नो दैट वैल्यूज पुट करने हैं, वेरी गुड, राइट। तो ये एक पूरा सिस्टम ऑफ क्वेश्चन जो इनफाइनाइट के लिए है, मेरे ख्याल से अब आप तैयार हो अपने आगे के लिए, तो मैं सीधा का सीधा आपको एक अच्छा सा एक क्वेश्चन का फॉर्मेशन दे रहा हूँ, राइट। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं लेकिन मैंने उन्हीं क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमा दिया है, और आज हम लोगों ने जितनी चीजें की हैं उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, राइट। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, क्वेश्चन कौन कौन से आप करने हैं, मैं तो चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सभी क्वेश्चन हो जाए। इस बार थोड़ा सा उल्टा मैं करता हूं, आपको मैं पूरा का पूरा 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं, देखता हूं किसके कितने क्वेश्चंस होते हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10 मिनट्स का टाइम है, मैक्सिमम जितना कर पाते हो, जितने मेथड अभी बताए गए हैं सबको यूज करो, जैसे हो सकता है यू हैव टू गेट मैक्सिमम, राइट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
3 मिनट्स डन। सेवन मिनट डन। वेरी गुड समय।
लास्ट 1 मिनट। Let's start करें। See, first question फिर से दिखाई दे रहा है आपको कि ये infinity minus infinity के form में, right? Infinity minus infinity के form में है। Solve करने के कई different methods हो सकते हैं। क्या method आप करें कि like x cube plus 3 x square power 1/3 minus x square, stick with the basics। ये स्टिक विद द बेसिक क्या मतलब है इसका, ये समझना। एक्स स्क्वायर माइनस 2x टू द पावर 1/2 लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, राइट। आपने जो पढ़ा है वो काफी है, उससे पूरे क्वेश्चंस आपके हो जाने चाहिए। कैसे? सी, मैं इसे रीराइट करता हूं अपने क्वेश्चन को, आई गेस मुझे सॉल्व करने के साथ जरूरत ना पड़े। दो अलग अलग लिमिट मैं इसे अज्यूम करता हूं, ये लिमिट मेरे पास कुछ ऐसा है, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म जो अभी तुरंत सॉल्व किया था आपने, ये भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म जो आपने तुरंत सॉल्व किया था। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर यू नो, ये तो अंडर रूट है, ये तो जानते ही जानते। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं एक जस्ट इसको गो थ्रू करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ क्या इसमें करने हैं। अगर सभी को क्लियर है, यस सर, राइट आंसर बेटा मैं आराम से सबके बता दूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा पहले एक बार वर्किंग क्या है सबकी वो मैं बताता जाऊं। तो आई गेस दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। एंड ये कभी भी इनसे मत डरना, इन दोनों को सॉल्व मत करना। एक का पावर 1/3, एक का पावर 1/2 है, वो सॉल्व होना हमेशा आपको दिक्कत कर जाएगा। तो बस तरीका यही है, अगर आपको सॉल्व करना है तो दोनों फंक्शन के लिए मैंने अपनी तरफ से अपना एक एक्स दोनों को दे दिया, एंड दोनों एक्स के लिए जो ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ वही क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन, राइट। सेकेंड क्वेश्चन मेरे ख्याल से डिस्कशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पे हम लोगों ने अभी तुरंत ये देखा था ए बी सी के जगह पर ये क्वेश्चन हमारे पास राइट, ए बी सी की जगह 1, 2, 3 मेरे पास आ गए, राइट। वहां पर आंसर आया था ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री, यहां पर आंसर आएगा 1 + 2 + 3 / 3, राइट। बट मजेदार क्वेश्चन इसी में वही क्वेश्चन है जो कि गिवन है थर्ड में, राइट। उसी क्वेश्चन को देने का एक तरीका है, लेकिन वो थर्ड में गिवन है, आंसर किस तरह से निकाली जा सकती है उसको ध्यान से देखा जाए, राइट। शुरुआत करते हैं, उसके पहले थोड़ा इसे रद्द कर देते हैं। लुक, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस n ही रखता हूँ, n को 100 कर लेता हूँ, 100 जो कि 1 है वो, होल टू द पावर 1/100 माइनस x, राइट। 100 टाइम्स बाहर है, उसको बाद में हम लोग डील कर लेंगे। ध्यान दो क्वेश्चन में फिर वही आ गया, जो पावर 1/3 हमने किया था उसके जगह पर पावर हमारे पास, मैं जो वहां पर किया था वही काम यहाँ पर भी करूंगा। पावर हमने 100 एक्चुअली पावर 100 करके 1/100 पावर कर दिया, राइट। अब ये सोचो
कि अगर ए टू दी पावर 1/100 माइनस बी टू दी पावर 1/100 आपको गिवन है तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होना चाहिए, इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होने चाहिए, क्या मैं मल्टीप्लाई करूं। रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब ये होता है क्या मैं मल्टीप्लाई करूं कि ये कन्वर्ट सिर्फ और सिर्फ ए माइनस बी में हो जाए और नीचे का जो टर्म है वो मेरे को ये नंबर जो है वही मेरा यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन रह जाए जिसको सॉल्व करना मेरे लिए आसान हो जाए। राइट, क्या नंबर होने चाहिए। तो ए टू दी पावर 1/n माइनस बी टू दी पावर n 1/n का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। मतलब हमारे पास क्वेश्चन है ए टू दी पावर 1/n बी टू दी पावर 1/n का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होना चाहिए। राइट है, क्या नंबर रहे जो रैशनलाइजिंग फैक्टर हो। या फिर थोड़ा उल्टा सोचता हूँ या उल्टे तरीके से आपको वर्किंग बताता हूँ, शायद आपको सोचना आसान पड़े। a माइनस बी में a टू द पावर n माइनस वन प्लस a टू द पावर n माइनस वन बी सॉरी a टू द पावर n माइनस टू बी a टू द पावर n माइनस थ्री बी स्क्वायर करते करते b टू द पावर n माइनस वन से मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूँ तो ऊपर जो टर्म है वो आ जाएगा a माइनस बी, नीचे जो हमने अपना मल्टीप्लाई किया है वो डिवाइड में आ जाएगा। राइट, बट मेरे पास क्योंकि क्वेश्चन जो गिवन है वो ए टू द पावर 1/n बी टू द पावर 1/n है तो इसी 1/n हर एक ए की जगह ए टू द पावर 1/n बी के जगह बी टू द पावर 1/n मैंने रख दिया। होप ऑल यू आर गेटिंग दिस। और हर एक से x x x निकलेगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर 100 हैं, तो नीचे तो मेरे पास 100 आ जाएगा लिमिट रखने के बाद। और a माइनस बी में टोटल मेरे पास जो आएगा जितने भी रूट्स आ रहे हैं सम ऑफ द रूट्स आ जाएगा। आई होप मैंने दो तीन चीजें थोड़ी सी जल्दी में बोली है, फिर भी समझ गया हूँ वेरी गुड, नहीं समझे हूँ तो आई एम ओपन टू डिस्कस दिस ना। तो एक बार पहले जल्दी से देख लो जो मैंने यहाँ पर किया है। If your understanding is very good, अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, you can ask. Sir, एक और बार प्लीज। क्या अच्छी बेटा, कहाँ पर बोलो, कहाँ पर दिक्कत जा रही है? सर वो आपने मतलब rationalize करने के बाद क्या किया? Rationalize करना, मैंने जैसे rationalize किया ना तो नीचे जो हमारे पास नंबर आ रहा था जैसे x cube वाले में भी हम लोगों ने जो किया था उसमें जो नंबर्स हमारे पास आ रहे थे उसे यहाँ दिखाता हूँ। हमने ना किया हो, हाँ अगर यहाँ पर ध्यान से देखो तो हमने जो यहाँ पर मल्टीप्लाई जो नंबर्स किए थे ये नंबर्स यहाँ से मैंने x अगर मैंने x स्क्वायर निकाला होता राइट, ये तो ऊपर के स्टेटमेंट यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होंगे, यहाँ पर उसके अलावा जो थे इसके बाद जो आ रहे थे उस पर मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर मैंने दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो ये तीनों के मल्टीप्लीकेशन में मेरे पास x cube plus a plus b plus c into x square plus ab plus bc plus ca x plus abc minus x cube दोनों कैंसिल हो गए। नीचे क्या आ रहा है उस पर ध्यान से देखो, यहाँ से अगर मैंने x cube कॉमन लिया होता तो बाहर आता x square, बचता क्या 1 plus a by x 1 plus b by x 1 plus c by x to the power 2/3 प्लस, ये तो 1 ही बच गया x स्क्वायर के कारण, प्लस x टू द पावर 1/3 ये आ गया, यहाँ से x टू द पावर 1/3 आने पर ये बचता 1 प्लस a by x 1 प्लस b by x 1 प्लस c by x टू द पावर 1/3 आया। Are you getting my point? Yes sir. अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो आ रहे हैं वो टर्म आ रहे हैं 1, 2, 3। तो मैंने कहा कि ये एक्स स्क्वायर तो ऊपर की ये वाले एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है राइट, न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में, एंड ये जो नंबर्स मेरे पास आ रहे हैं क्योंकि ये सब ए बाई एक्स बी बाई एक्स सी बाई एक्स ये जो नंबर्स हैं वो तो मेरे पास जीरो जा रहे हैं तो मेरे पास हर एक में 1, 1, 1 बचने के कारण ये 3 बच रहा है। तो अल्टीमेटली मेरा आंसर जो है वो अल्टीमेट आंसर मेरे पास जो आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 आ रहा है। इन द सेम वे इन द सेम मैनर व्हाट आई एम सेइंग कि अगर मैंने 100 के लिए ये काम किया है वहां पर जितने भी नंबर हैं ए बी सी डी मतलब नंबर है 1, 2, 3, 4 अप टू 100 उनका सम यहाँ पर आ रहा है और नीचे जो ये नंबर्स मेरे पास आ रहे हैं हर एक में मेरे को 1, 1, 1 ही मिल रहा है एंड ये कितनी बार है ये 100 टाइम्स है। तो
इन दोनों को अगर मैं एक साथ में यूज करूं राइट, तो आई गेस यहाँ जो नंबर्स मेरे पास आएगा वो आएगा 1 + 2 + 3 up to 100 और नीचे जो नंबर मेरे पास आ रहे हैं वो आएगा 1 + 1 + 1 up to 100। इज इट ओके? हाँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, काफी अच्छे क्वेश्चन में एक कहूंगा इसे। राइट, सी तो एक पैटर्न केवल देखने की बात होती है एंड उस पैटर्न को कैसे मैं अचीव कर सकता हूं उसकी बात है। राइट, पैटर्न एंड द नंबर। राइट, नेक्स्ट फोर्थ वाले क्वेश्चन में अगर मैं देखूं राइट तो ये तो बहुत सिंपल आ गया, आंसर इज एन बाई एम। राइट, ये क्वेश्चन में मेरे पास जो आंसर होता है एन प्लस वन इंटू टू टू द पावर n is equal to 80, just you can see the number, 5 लिया तो, like 4 लिया तो अपने आप 5 into number चला गया, तो वो 4 is the number, answer, right? ये question मेरे पास given है, x minus 1, 2, x minus 3 है, factor आप देखें, x tends to 1 है, x tends to 1 पर दोनों 0 हो रहे हैं, दोनों को cancel कर दिया, ये question already हमारा किया हुआ है, infinity minus infinity का form है, conjugate से multiply करें, you'll get that, conjugate से multiply करें, you'll get that, ये एक प्यारा क्वेश्चन कहलाएगा, यहाँ पर आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, अभी वो करता है एंड ये भी क्वेश्चन लास्ट वाले हैं, वो सॉल्व करने पड़ेंगे, देखते हैं उसके पहले थोड़ा आगे। राइट, तो 1² - 2² + 3² - 4² up to n terms upon n² limit n tends to infinity। राइट, कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जो सिंपल सा तरीका मेरे पास हो सकता है, n इवन ऑड के बारे में कुछ गिवन नहीं है, n टर्म्स मुझे गिवन है, प्लस होगा माइनस होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ध्यान से देखो, अगर मैंने दो दो टर्म्स का कॉम्बिनेशन लिया 1² - 2² तो एक आएगा 1 - 2, दूसरा आएगा 1 + 2, तो -1 तो सबसे आना है, ये तो कन्फर्म है, साथ ही साथ 1 + 2, 3 + 4 करते करते ये आखिरी में गया n - 1 + n। राइट, अपॉन एन स्क्वायर, आगे की कहानी आप बहुत अच्छे से जानते हो, ये भी किया हुआ क्वेश्चन है, कोई नई बात नहीं हो रही है। इज इट ओके? ठीक है एवरीवन? यस सर, यस सर। नाउ अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इसका, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, बट एक सॉल्व करना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमेशा आपके लिए बनता है, कैसे सॉल्व करना हमारे लिए वर्किंग होती है। राइट, उसे देखें, 1/h कॉमन है, कॉमन ही रहने देता हूं, एंड बचा हुआ टर्म जो है वो है 2 - 8 + h^3 अपॉन 2 × 8 + h^3। आई गेस ये क्लियर है जो मैं बोलना चाह रहा हूं, लिमिट h टेंस टू जीरो, ये 2 को मैं लिख सकता हूँ 8^1/3 -8 + h^3। राइट, एंड h है यू नो दैट x^n -8^n अपॉन x - a। ओके, यस राइट। सो एक सर, डिनोमिनेटर कहाँ गया बेटा? ओ एच टेंस टू जीरो जैसे करोगे ना, दोनों नंबर अपने आप में 2 2 चला जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, वो कांस्टेंट आ जाएगा, तो बाहर निकाल सकते हो। राइट, ओके। नाउ बट ये होने के बाद हमारे लिए एक नया क्वेश्चन का सेट जो यहाँ गिवन है आपको, राइट, आई एम श्योर कि यू कैन क्लिक दिस, आप इसको क्लिक कर सकते हो। सर लास्ट के दो क्वेश्चंस कंप्लीट हैं। लास्ट के दो क्वेश्चन मतलब? हाँ बेटा, कंप्लीट।
सब कंप्लीट है और लास्ट के दो क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट हैं जो आपको बहुत जरूरी होगा जानने के लिए, राइट। दोनों क्वेश्चन जो है ना लास्ट वाले थोड़े जरूरी वाले क्वेश्चन हैं। सो जो लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है उसमें थर्ड लास्ट होगा, ठीक है। लास्ट सेट ऑफ मतलब क्या है? सो इससे पहले जो क्वेश्चंस दिए थे 10 क्वेश्चंस उसमें से थर्ड लास्ट वाला नंबर, थर्ड लास्ट मतलब अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वो वाला क्या, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स वाले या अंडर रूट ऑफ 3x माइनस ए वाले, कौन सा बोल रहे हो? मैं ये हटा लूं वो दिखा सर, ये सब ने देख लिया है, क्लिक कर लो आप, मैं अभी भेज भी दे रहा हूं आपको, बट यहां पर Which one? Siddharth? Under root of 3x minus a. 3x minus a minus under root of ये वाले क्या? हाँ सर। Conjugate से multiply कर लो बेटा। किया उसके बाद। किया? अभी दिखा देता हूँ। 3x minus a minus x plus a अपॉन एक्स माइनस ए, और जो भी इसके अपॉन में आएगा वो तो फाइनाइट वैल्यू ही आ रही है, बाद में लिख लेता हूं उसे। तो 3x माइनस एक्स इज 2x माइनस माइनस 2a, तो ट्वाइस ऑफ x माइनस a कैंसिल हो गया, मतलब इसे सॉल्व होने पर ये 2 दे दिया, नीचे में एक फाइनाइट वैल्यू आ रही थी x टेंस टू a, अगर मैं रखता तो 3a माइनस a इज 2a प्लस अंडर रूट ऑफ 2a, ये आ गया बेटा 1 अपॉन रूट 2a, सिंपल बोलूं ना? नहीं राइट right? इसके बाद का ये क्वेश्चन। नाउ अब नेक्स्ट जो हम लोगों को पढ़ना है वो है सैंडविच थ्योरम, राइट। ये सैंडविच थ्योरम जो होगा वो ऑब्वियसली दिखाई दे ही रहा है, राइट। रात में पढ़ना अच्छी बात नहीं है, मॉर्निंग में ही पढ़ेंगे हम लोग या नेक्स्ट टाइम पे, राइट। तो सैंडविच थ्योरम एक्चुअल में दो कहीं फंक्शन जो हमारे होते हैं उनको सैंडविच बनाने की बात, अब वो दो सैंडविच बनाए हुए फंक्शन को हम लोगों को लाइक किस तरह से वर्क करेगा एंड क्या रहेगा वो कुछ ऐसा रहे, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, राइट। आज के लिए हम लोग नहीं रखते, ठीक है एवरीवन? थैंक यू सर, थैंक यू। अरे हाँ, ये मैंने